की याद कट्टी है हाय थोड़ा स्टी करो मेरा ख्याल बड़ा सफर करी क्या आया तो ऊपर हाय हाय उफ तो भाई शुक्र है मैं ग्राही हूँ इतना टूरी आया शहरी इतना टूर है तो बस पटाखे मारे इतना ग्राही टूरी सकना हाय बड़िए बे अल्लाह तुसें की जिंदगी दे बे आनी पुत्रा गो शहरी गो ग्राही लोग पढ़े लिखे इतने नहीं होने बेचारे जड़ा जैसे कि तरखन तखड़े उसकी ना कम देने ना काज देने मिकी सारे ग्राएं ग्राएं ले निकल समझने ना ले आने तो अड़े वाले सिंह नहीं जमे और एरा मैं क्या बड़ा हो गया कोई कम समझो ना किसी स्टोरी च रखने ना किसी तंदूरा वाले को रखने वो करामत हटी वाला वो भी नहीं रखना यार मैं क्या दस मैं सौदा शौदा तुकी पकड़ाई दिया सब मुझे तनखाशा चाहिए कर बेना जरे कम टूरी पैसी बेने घर ना खर्चा टूरी पैसी लेकिन नहीं को ख्याल ही नहीं करना क्या करिए चलो आखने जिथे ना रिज के उथे लिखा उसी उथे बंदे के मिलसी हाँ खन्ना जिंदगी दे माड़ी बे की देखो ना कैदा ख्याल रखनी है मामा नहीं तो इस मिगी डाडी चमकी है भुख अद्धा किलोमीटर रोड टुरार ते माड़ी लम लिखी है शहर हाँ हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मेरे खेल सुखी पाई दी है नहीं रह चुकी है यहाँ चार कुछ बस ये माड़ा ख्याल है छपन छोत खेलने बिना एबासी तेरी जिंदगी क्या अरे तेरी जिंदगी क्या है तो समझ नहीं आती है हर तरफ बात सैकून ही सैकून है लेकिन घर के अंदर बिल्कुल सैकून नहीं है क्या किस्मत है मेरी वो एक शादी की अच्छी वाली ज़िंदगी चल रही थी मेरे उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जननी के साथ थे बड़ी खुशी का मौका आ गया एंड डिलीवरी के टाइम पे जनानी भी फड़क गई और होने वाला बच्चा भी फड़क गया एबासी तेरी जिंदगी क्या अरे बेड़ा मैंने फैसला किया था कि इसके बाद मैं कोई शादी मैदी नहीं करूँगा लेकिन सारे रिश्तेदारों ने पकड़ के दूसरी शादी करवा दिया चलो फिर सैबर शुगर कर लिया मैंने कहा अल्लाह की रजा है यार चलो जिंदगी गुजारनी किसी तरह गुजारें बस उसके साथ भी अच्छा निज़ाम चल रहा था खा पी रहे थे फिट उठ थे मजे कर रहे थे बस वो भी एंड टाइम पे पता नहीं क्या हुआ तो गलत दवाई खाई है उसने या क्या हुआ खुद तो फेड़ोगी ओह नो एक बेटी मेरे हवाले करके चलेगी अरे कुदरत का भी अजीब निज़ाम है या अल्लाह कौन कौन सी आजमाइशों में डाल रहा है मुझे बेटी भी दी तो वो भी जबान ही कोई नहीं उसकी गूंगी कैली ओए हाय 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 फिर सैबर शुक्र कर लिया फिर तेरी रजा में राजी हो गया फिर ओखा सोखा होके कोशिश करके उसकी शादी कर दी लेकिन वो जब दूसरे घर में चली गई तो जाहिर है गूंगी है बोल तो नहीं सकती इशारों से ही बात करेगी ना उनको बताया भी था पहले सारी सूरत हाल का पता भी था उनको फिर उन्होंने नखरे करने शुरू कर दी कभी कुछ कभी कुछ कभी ये कहती है कभी वो कहती है कभी इस तरह के इशारे वो क्या कह रहा हूँ वो बच्चे ने भी वो बहुत ही हबीस बच्चा निकला वो उसने भी उसको तलाक दे दी अब क्या कह रूँ कोई समझ नहीं आती है अब वो भी घर में है कल मेरी आंखें बंद हो गई उसका क्या बनेगा एबासी तेरी जिंदगी क्या ओए हाय 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 क्या कह रहा हूँ किधर चला जाऊँ कोई समझ नहीं आती है ओए या अल्लाह परेशानी दूर कर दे सकून दे दे या अल्लाह चोर 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 चोर
ए बासी तेरी जिंदगी क्या ओए तेरी जिंदगी क्या मसला है हाँ पुत्र वो क्या बताऊं तुझे तुझे तो समझ ही नहीं आती है ओए मैं अपनी जिंदगी के बारे में रो रहा हूँ अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी बेसुकून हो गया हूँ तैबा हो गया हूँ हाँ तू बड़ी अच्छी है ना हाँ मेरा बड़ा ख्याल रखती है तू है ना अल्लाह तुझे जिंदगी दे सलामत रखे ठीक है बच्चे मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मैं भड़क गया यानी कि मैं इस जान से रुखसत हो गया तो तेरा क्या बनेगा बाबा ना तू बोझ नहीं है मेरे पे लेकिन बेटी तो है ना मेरी देखना तेरा ख्याल नहीं करूंगा तो किसका ख्याल करूंगा बाबा अल्लाह अल्लाह बाबा 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 इतना रोला ना डाल बाबा बाबा चुप कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा मैं वैसे बात कह रहा था तू चली है बिल्कुल या ना ओ नहीं कोई ऐसी बात मैंने मेरी ख्वाहिश तो है कि तेरा घर आबाद करूँ घर आबाद करूँ तेरा शादी करेगी करेगी शादी नहीं 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 होगी तेरी शादी क्यों नहीं होगी ऐसी कौन सी बात है नहीं 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 कोई नहीं मैं इस तरह का कोई लड़का देखूंगा ना जो हमारे साथ तालक वास्ता बना ले और घर में ही अगर रह जाए ना ठीक है तो कोई मसला मसाइल भी नहीं होगा ठीक है थोड़े दिनों में तुम्हारी बातें उसको समझ आनी शुरू हो जाएंगी फिर तुम दोनों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी खेलो कूदोगे खाओ पियोगे मजे करोगे नीचे नीचे बैल उमड़े भी होंगे पानी पानी हाँ ये बड़ा अच्छा पानी है ना किधर से लाई है उधर खूह से पार के लाई है छापा मेरी बच्ची बड़ी मेहनती है बड़े काम करती है बस अफसोस भी होता है कि तेरा घर है बाद ना रह सका वो लानत हो उन पे वो कैसे लोग थे यार कितने जालिम लोग हैं वो बंदा को खुदा का खौफ कर लेता है को तरस खा लेता है बंदा बिल्कुल जरा सा हया नहीं किया उन्होंने है चल कोई बात नहीं अच्छी बात है वरना वो पता नहीं उधर तेरा क्या है शुरू कर देते वो लड़ाई कर देते मारते थे तुझे बाल फेंकते थे तेरे कैसे कमीने लोग हैं वो उनकी अपनी को ती पहन नहीं है उस उधर से तुझे जान छुड़ा दिए तू खुश है ना हाँ बस तू बेफिक्र हो जा बैचे मैं लगा हुआ हूँ मैं उधर पंचायत में भी बैठता हूँ नंबरदारी भी जब कहता हूँ तो आगे पीछे दाएं बाएं ध्यान रखता हूँ तुम्हारा है तुम बेफिक्र हो जाओ ठीक है इतनी अच्छी मेरी बेची है घर के सारे काम करती है झाड़ू देती है कपड़े धोती है खाना पकाती है इतनी सिलाई कढ़ाई सारी इतनी सुगड़ मेरी बेची है यार इन कमबख्तों ने किया क्या मेरे साथ अब तू फिक्र ना कर मैंने अब प्लानिंग की है कि कोई ऐसा बेचा देखूंगा जिसको मैं घर दामाद बना के घर में रख लूँगा ठीक है ना कोई मसला होगा ना कोई मसाइल होंगे ठीक है और तू भी खुश रहेगी और वो भी खुश ठीक है यहाँ मेरा बेचा चल के जरा दिन के लिए हांडी रोटी करना है मैं फिर रोटी खा के जरा जाना है पंचायत में है आइए ले जाओ शाबाश शाबाश मेरा बच्चा जाओ अल्लाह खैर करे वाला इसको जिंदगी दे वो मेरा और कौन है वो या अल्लाह मेरी बेची का कोई मसला हल कर दे क्या जिंदगी होगी मेरी अहबाजी पता नहीं क्या है तो वो चोर 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 आखने पे ते मैं किया नसीबे आए मैं कोई चोरी की है मिकी एवं डर पे गया दस सेरा एवं खाम का रोटी भी मैं उतना छोड़ी आया हाँ अपनी सोटी भी उतना छोड़ी आया और ये पागला भी बदबख्तिया ओ चल थोड़ा सह कड़ी की ना हो मुड़ी गया रोटी को गया सा मिकी लोग नशने नहीं क्या लोड़ है मिकी क्या पता है इन्होंने कोई अपन जी जी क्या जी चोर कौन है ओए तू चोरी की थी
अल्लाह ना बंदे क्या करने चोरी की थी ओ तको ना जी शहर ही तुसा आयो ता सा ये ही समझो तू चोरी की थी ओ नहीं जी मैं बर्दात होई है ना मैं इस ग्राए ने है ही नहीं है मैं कुछ चोरी की थी तो ग्राए ते नहीं ता ते चोरी की थी है ना चोरी की थी है ना ओ लाला जी चिट्ठी दाड़ी तुसा ने इंसान बना यार अल्लाह ना नहीं अकल ज्ञान मार मैं दुए ग्राऊ आया इथु लगना पे सिर्फ चोर नहीं है अबे ज्यादा बातें ना बना ओए ना की बासी साहब ने डेरे पे खड़ले है कराची है बकवास नहीं कर चोरी करता ऊपर से बातें कर रहा है और मैं चोरी नहीं की थी जी मैं तो अबे तू चोर है और मैं तो रोटी खाने लगा तो था मैं शहर जुड़े से लगा पैसे में हर चोर इस तरह ही कहंदे जी मैं कोई चोर हूं नहीं नहीं तो फिर ये भागा क्यों है भाई मैं तो तुसा रोला इतना बने सो चोर 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 जो मैं पता नहीं क्या हो गया मैं चोर है पीछे नसिया हम तो चोर के पीछे भाग रहे थे तुम क्यों भागे हो हमारे को नहीं बंदा नसिया नसी के गया उधर हमारी रोटी उसे पही है और रोटी तुझे खिलाते हैं चल लो बासी के डेरे पे तुझे लग पता जाएगा ये कौन सा नंबर दे दिया यार मैं ये नंबर लगता है तो ना ये पता चलता है तू नंबर कैट तो नहीं है मैं भी पागल ही हूँ इन्हें लगा के देख भाई कमाल करता है यार ये चीज़ें जो होती हैं देख हाँ अब सहम हो जाइए ना अब पता चलेगा हाँ ये हो गया फिर वही टू टू अरे क्या टू टू भाई यार सारा खाना खराब कर दिया उन्होंने मैं दफा कर चोर ना चोर है तू ए बैठे नहीं जी अब्बासी साहब चोर ना जी हमें अब्बासी साहब कौन है ए चोर है जी रंगे हाथों पकड़े जी चोर है जी नहीं अब्बासी साहब क्या चोरी की है इसने और ये बकरी चुरा के नसिया उठो जनाब ओए ओए निके कद का मैंने अभी पहली दफा चोर देखा इस तरह का ओए अब्बासी साहब मैं चोर नहीं है जी मैं कसम खाने से चारा जी बकरी है तुम्हारे को नहीं है ना जी ए माड़े मैं इल्जाम पे लाने ले जी हां तूने बच्चे कहीं गायब कर दी होगी कहीं जंगल में बांध दी होगी ना नहीं अब्बासी साहब मैं दुए ग्राऊ आया मैं थू लगड़ा पिया था तो थब्बे के रोटी खान लगा था मेरी अम्मी रोटी दी थी भूख लगी है तो खाई गई मैं रोटी खान लगा था माड़े कोई मंदा लग गया झुम करना उस पर नल पीटिया सी मिकी नहीं पता कौन सी कौन नहीं सी तो मैं उसने पीछे नसिया एक ग्राए रे पीछे उसने पीछे चोर 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 इन्हें रुला ही तरह पाया मैं भी नसी पिया वो देख बच्चे मेरे साथ लंबी कहानी ना कर शॉर्ट बात बता किस मकसद के तहत तू इस इलाके में फिर रहा है मैं अर्ज किया है बासी साहब मैं तू लंगड़ा पिया था तू लंग रहा था या हमें लंगाने लगा था नहीं ऐसी कोई गल नहीं जनाब मैं जुड़िया शहर अम्मी आनी था मजदूरी तो की कोई नहीं शहर को उठा के चीखे काम काज कर जे तोरा में क्या करा भाई सुन शक्ल से तू मुझे बड़ा मासूम इंसान लगता है है ना बकायदा है लेकिन जो कहानियां सुना रहा है ना इस पे हमें किसी को यकीन नहीं है सीधी सीधी बात बता अब्बासी साहब तुसी एंदे कोल ए पूछो के नशे क्यों है हां अगर तू चोर नहीं था तो भागा क्यों है वो सारे नशे पेशन बासी साहब चोर 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 मैं भी नसीब हूं मैं डरी गया मैं क्या पता क्या होने लगा इतना तो सीधा साधा है तू शहर में जाके क्या हॉक नौकरी करेगा कि तुझे पता नहीं है चोर कौन है तो किधर है तू भाग रहा है रोटी में से छोड़ी आया रोटी तो खा ली थपे ही उसी आने ना कर मैं बता रहा हूँ असल बात बता दे बच्चे यहाँ तेरी बचत हो जाएगी नहीं तो सीधा थाने में देंगे उधर मारेंगे नितर तुझे लग पता जाएगा तुझे पुरानी कसम चाहिए क्या होना जी मैं चोर ना जिया मैं कोई चोरी नहीं की थी जो की मर्जी मेरे को कसम चाहिए नो जिया यार ये ऐसे मानेगा नहीं इसको मेरे थाने में भेजना पड़ेगा बिल्कुल जी एस एच ओ को फोन करता हूँ तुझे लेके जाएंगे पुत्र रात को पूठा टेंगेंगे ना पीछे से लगाएंगे लीटर और पूछेंगे चंद की था गुजारी और रात फिर लग पाता जाएगा अरे बासी साहब इतना जुलम ना करो जी ना तो बगैर किसी तफ्तीश तू थाने फोन करने पे खाम खा मैंने तो कोई जासूस लगता है जी नवा कट्टा छोटी वो भैया क्या काम करने तू भाई यार क्या कहते हैं आधा जासूस होता है ओ इस तरह दे बड़े मुखबिर होते हैं जी साहब आप अपना टाइम खोटा ना करो ना मेरा टाइम खोटा करो मेरी जान दे हमारे इलाके में आया हुआ है यहाँ से इलाना तो मैं बताऊंगा तुझे शक्ल से लगता तो नहीं है वैसे मासूम सा है यार ये जितना ऊपर है ना इतने जमीन के नीचे भी है आप इसको इजी ले लें आप नीचे से फिर आए हैं हाँ जी अरे बहराम सदी की तू उल्टी सीधी बातें करता है यार देख माशरा है माहौल है इंसानियत है जी 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 अगर कोई गलती इंसान से हो जाए तो उसका कोई दूसरा हल भी निकल सकता है नहीं नहीं पुलिस को दें पुलिस को बेचारे की चोरी हुई है ना जी वो सामने टेंशन है जो बंदा हो अबे जो तुम्हारी चोरी हुई है यार चलो मैं भर दूंगा मुझे कोई एक मसला हल करने दो एक और प्रॉब्लम है ना मेरे लिए अच्छा मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही है अरे बात सुन भाई मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है अगर तू उसके साथ शादी कर लेना तो मैं तुझे थाने में नहीं दूंगा
सीधी सी बात, और तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा यार। ठीक है, ठीक है जी। चलो ठीक है, तुम्हें मंजूर है? हाँ ठीक है। तुझे मंजूर है शादी? हाँ। और जी मैं इतना बड़ा फैसला किस तरह कर सकता जनाब, मैं ना कर सकता। फिर एस एच ओ को कहते हैं क्या होगा? लगना तो नहीं शायद हो गई। क्या मतलब? एक स्टोरी है बड़ी बड़ी। वह स्टोरियाँ ना सुना जो मैंने बात की है उस पर, अगर बात मानता है तो ठीक है, नहीं तो ये गया है एस एच ओ को। एक पुलिस वाली बात सुनी के लो। क्या? ठीक है जी, जी तुस आखने मैं शादी करा तुस बच्ची न, माड़ी शर्त नहीं भी जरा उसकी तखी के ना। हाँ ये कोई शर्त तो ज्यादा बड़ी तो नहीं है, कोई पला है। तू देख ले, तसल्ली कर ले जी जी, और उसके बाद मुझे अपना फैसला सुना। ठीक है जी। और अगर हम ही बैठता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उधर ही है। ठीक है, इनकी पसंद ना आई तो फिर मैं इनकार कर ही सकना। वो बात की बात है ना, तू देखेगा तो तू यकीन है मेरा, बिल्कुल पक्का यकीन है तू मानेगा। अच्छा जी। हाँ चल, बहराम की बकरी। हाँ वो मैं कह दूंगा, कोई मैसेज नहीं। मेरी बच्ची का गहरा बात हो जाए यार, मैं बड़ी टेंशन में हूँ। नहीं पता, हम शरीफ आदमी है, ये चोर खानदानी शरीफ है, ये चोर नहीं है, ये रेलगढ़ है। सही कह रहे, सही कह रहे, बोलना बेकरची नहीं बोलना। राजा बहराम सैदी की खुद ही कुछ बना हुआ है, अपने लैकअप शैकअप लगाए हुए हैं। अरे छोड़ दे उसको, तेरी बैकरी मिल जाएगी यार, जो उसके जो मुआवजा बनता है मुझसे ले लेना है। अब इसको मेरे हवाले करो, मैं इसको लेके जाता हूँ अपने घर, इसको मैं दिखाता हूँ अपनी बेटी। ठीक है, अगर ये पसंद करता है ठीक है, नहीं तो वहीं से मैं इसको कुछ में लगा के सीधा एस एच ओ के पास। मेहरबानी, एक उन्हें कोड़िया ने मुंशी है, ये हमारे मिराजों में ना डरना जी, मरे इनको इधर ही छोड़ना, मैं तुझे लेके चलता हूँ बच्चे। अच्छा हाँ, मैं जरा इसको घर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इधर ही बैठो, अभी मैं फैसला सुनाता हूँ। वाला कोई जामन भी तो बने, मेरी कार पछड़ी क्या? चल चल, ये खुद जामन है, भागने की कोशिश ना करना। मैं मेट्रो में ना 100 मीटर का मैं चैंपियन रहा हूँ रेस का। अच्छा जी, नीचे क्या मतलब है? ऐसे ही मशवरे दे रहा है जी। क्या कह रहा है? ये आपसे बड़ा नंबरदार बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों वे, क्या बात है जहांगीर, क्या कह रहा है? कोई मसला नहीं, मुलाजिम है, इसको औकात में रखा करें। खोटा ना करो, मम्मी बड़ी तकलीफ। हाँ जाओ जाओ यार। अच्छा चलो 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 यार, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो अब बता भाई, बड़े मशवरे दे रहा था नंबरदार को, ये भी साथ ले जाओ, ये भी साथ ले जाओ। अब वो खुद बहुत अकलमंद है, फैसला कर लेगा। मिठू बेटी आ जाओ, आओ शाबाश आओ आओ, अपना घर है, कोई मसला नहीं है। कुत्ता छुत्ता तो नहीं खुला? अबे किधर यार, शरीफ लोग हैं हम यार, इधर आओ आओ। चलो शाबाश, आ जाओ बेटी, आ जाओ। कोई जिंदगी में कांटे वैसे लगे रहते हैं इंसान के साथ यार, फिर भी किधर जा रहा है? अच्छा आओ तो सीना, इधर बैठोगे तो फिर पता चलेगा ना। बस बेटी इसको अपना ही घर समझो है। अजीब वासी साहब, माशाल्लाह जी, कार तो बड़ा सोना बनाया जी। बस जरा अल्लाह का माल है, हमारा क्या है। ये मकान जो है ना, पहले कैचा था है, इसके फर्श भी कैचे थे, इसका छत भी कैचा था। अच्छा। फिर मैंने काफ़ी सारे पैसा लगाया। अच्छा। और उसके बाद इसके फर्श डलवाए, फिर इसकी ये छतें डलवाई, फिर ये अभी ये रोशनदान लगवाने हैं थोड़े थोड़े ना, खाली नहीं आए। हाँ ये लगवाने हैं ना, ये काम करवाना। अच्छा ये जो सैलरियाँ लगाई हैं ना हमने, इसमें कद्दू भी हैं, भिंडियाँ भी हैं, टमाटर भी हैं। अच्छा अच्छा, ये अपने घर की सब्जी होती है, आपको बाहर जाने नहीं बैठता। ये बने पढ़ाए कितने से नहीं जाके आप बनाए? जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ ना। अच्छा। तो उस वक्त मैं तकरीबन कोई था कोई 16-17 साल का। अच्छा जवान। शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था। हाँ उस वक्त जनाब मेरे साथ में सारी जिम्मेदारी पड़ गई। के पड़ गई जिम्मेदारी? अच्छा अच्छा, जिम्मेदारी पड़ गई तो उसके बाद से फिर मुझे कोई अपना होश भी नहीं रहा यार। अच्छा। चखे मारता रहा, बड़ी मेहनत की, बड़ी मजदूरी किया। अच्छा। हाँ असल में पता है बहुत क्या बच्चे? हाँ जी, हाँ जी। मैं ना बचपन से ही ना पायलट बनना चाहता था। हाँ जी? हाँ, छोड़ी नहीं जी। हाँ जहाज उड़ाना चाहता था। ये अंदर की ख्वाहिश थी मेरी। किधर मैं गया भी उधर एयरफोर्स वालों के पास। अच्छा। जरा सी बात में फैडा हो गया। ओह, उन्होंने कहा भाई तुम जंगी जहाज नहीं चलाओगे, तुम हेलीकॉप्टर चला लो, फोकर चलाओ। वो छोटा वाला जो नहीं होता, मैंने कहा जो छोटा में ऐसी छोटा जहाज चलाएगा, जहाज की लत वैसी लत मारी के उन्होंने उन्होंने फिर जो मुझे लतें मारी जो ओ तो फिर बड़ा सी नहीं बता नहीं सकता हूँ तुझे। नहीं मैं सुना था उधर को मुजफ्फराबाद भी जाग शम करने रही हुआ यार। असल में मैं ये जो बात गहली है ना, इसको पैका करवाना चाहता हूँ।
अच्छा यहाँ पे जब बारिशें होती है ना चिकूड़ होता है, मोटरसाइकिलें गुजरती हैं, लोगों के कपड़े खराब होते हैं यार। बड़ी अच्छी गल है यार, कोई नमाजी लगने उन्होंने कपड़े खराब होने ने, मतलब के इस दफा जो मैंने सोचा ना ईद आएगी ना बैड़ी ईद, उस पे करेंगे कैरवानी करेंगे बैड़ा बैड़ा सा बैड़ा है। अच्छा अच्छा, उसके पाए पहकाएंगे और उसका शोरबा तुझे खिलाऊंगा, तुझे मजा आ जाएगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। महकमा मौसमियात वाले बता रहे हैं कि बारिश होने वाली है, गर्मी तो हो रही है थोड़ी बहुत। अच्छा, इंसान को बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। ये है, कोई नहीं है यार, लगा रहता है। लोड शेडिंग भी बैड़ी हो रही है, बहुत हो रही है ना जी, बहुत हो रही है। बिजली नहीं बन रही, हम तड़प रही है। जितनी कम बिजली आ रही है उतने लंबे बिल आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इतने लंबे लंबे बिजली छोटी छोटी आ रही है, बिल लंबे लंबे भेज रहे हैं यार, इंसानियत से बाहर है। अच्छा अच्छा, तो एक दफा मैं मैस्कुत चला गया और उधर जाके मैंने जो है ना कोई सोचा बिजनेस कर लूं मैं, तो वहाँ मैंने पता किया क्या बिजनेस हो सकता है। उन्होंने कहा जी कि इधर तो ऊंट शूट हैं तो या अरबी हैं, दोनों में से कोई एक काम कर लो, ऊंट चराओ या अरबियों को चराओ। मैं ना आर्मी भर्ती होना है, ना मैं जहाज चलाना है, ना मैं मकान बनाना है। एक मैसला हो गया, पंचायत में लोग आ गए और वो कहते हैं जी हमारी जमीनों में पेड़े बैठ आए हैं। बड़े पेड़े नहीं होते पेड़े, अच्छा वो पूछने वाले हाँ वो बैठा है, उन्होंने फैसले तब वो कर दी यार सारी। अच्छा, कोई इनका क्या बंदोबस्त होना चाहिए वैसे आपस की बात। अच्छा अच्छा है? अच्छा बादशाह फिर मुलाकात होती है। कहाँ जा रहे हो? मैं चलना चले किधर? अच्छा मकसद ने पास बैठो बैठो, पता क्या हुआ है, मैंने उस दिन लिया बेकरी से देसी घ्यो, ठीक है, वो कहते हैं ये खालिस देसी घ्यो साहिवाल की वैड़ी का है। अच्छा ठीक है, वो जब मैं घर लेके आया उसको मैंने गैरुम किया पानी, लैदा क्यों लैदा क्या किया गैरुम तैता किया, वो तैता। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी तैता किया तो करा, कोई तो समझता वो यार, तो सारे लागल पसे तैता पानी भी है। हाँ वो तैता पानी नहीं होता। फिर मैं चलना जी ठीक है, इधर जाता है बैठ ना पासी जा, कुछ अपनी को गुफ्तगु छोड़ो तो। अच्छा मकसद है पासी है छोड़ो, कौन सा मैक्सो माला ख्याल है समझ की थाने भेज सके आने क्यों हुए वो ज्यादा बेहतर है जी। असल मकसद है पासे तो असने नहीं पियो जो पंचायत में बात हुई है। और नहीं वही 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 उस मकसद की बात कह रहे हैं जी। आओ अच्छा यार, ऐसे में मैं चाह रहा था तुम्हारा मेरा तारुफ हो जाए, घर के माहौल का भी तुम्हें पता चल जाए, बहुत लंबा हो गया ना, उसके बाद फिर आगे थोड़ा तुम्हें। अच्छा बड़ी मेरे लड़की कुड़ी कुछ है जी, मैं बहलाता हूँ श्यामा पुत्र, श्यामा पुत्र कहाँ हो जी? बैठो बैठो बैठो, ये है मेरी बेची श्यामा, आंखें बाहर आ गई हैं, क्या हुआ है? अच्छा माशाल्लाह, ठीक है पैसे दे जी बासी साहब, मैं लेट हो गया। चलो बच्चे चलो चलो, नहीं एक में दो एक दो गलत है करण देना। चलो मैं ना चलो चलो बासी साहब, गलत। अरे शरीफ लोग हैं यार, क्या कहते हो, बस इतना इतना ही होता है ना, तो देख लो तुम। बासी साहब जब तक हम एंगी नहीं होगी, गुफ्तगु नहीं होगी तो फिर किस तरह? वो बाद में हम एंगी भी कर लेंगे। तुम ये बताओ लड़की तुम्हें पसंद है? लड़की पसंद है जी माशाल्लाह जी। बच्चे तेरी यही सजा है, तू मुनकर हुआ है ना, अब इधर ही बैंदा रहेगा तू। बासी साहब वाला ग्रां इंतजार करने से माड़ी अम्मी परेशान उसी, प्लीज मेरी कशन दे बासी साहब, मेहरबानी करो। गांव में इंतजार कर रहे होंगे, तू वहाँ पे लोगों को दरखास्तें लिख के देता है ना। मऊ ने सामने तो फिर ढूंढना जी। हाँ। सारे कह रहे थे माड़े रहने ना। बच्चे आखिरी वार्निंग है, मैं तुझे बता दूँ, शादी के लिए राजी हो जा नहीं तो सीधा मैं थाने में ले जाऊंगा। बासी साहब कुड़ी कुछ सही है, तक मैं शादी कर रहा हूँ। क्या मतलब हो मेरी बेटी हो तो कैसी बात है, क्या सब हो गुंगी है, मिकी क्या पता सी तू गुंगी है, और तो बाद मिकी पता ना कर। अल्लाह अल्लाह रे बेबी वो गुंगी है, तू कौन सा आलम चाहे अपना नुक्स नहीं देख रहा है, वो नुक्स निकाल रहा है उसके अंदर से है। मेरे शरीर वैरायटियां ज्यादा है यहाँ। क्या वैरायटियां ज्यादा है? तो कम काज करना, फिरना टूटना, गल्ला करना, गप्पा मारना, लोग लोग मारे इंटरेस्टिंग कर। हे मैं दा 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 जा इंसान बन भाई, ओए उसको तो और लड़के मिल जाएंगे, तुझे कौन लड़की देगा वो इतने छोटे से बच्चे को है? कुल्ली होनी बासी साहब, बस मेरा कर सकता। अच्छा नहीं करेगा।
वो तो तेरा जो ऐशर करेगी तो मैं अभी थाने फोन करता हूँ, पुलिस बुलाता हूँ तुझे अंदर कर। अरे नहीं बस ही जब बस ही पुलिस मेहरबानी करो जी निकी थाने ना भेजा जी। अच्छा फिर कह रहेगा शादी बैठा मैं तुम जगह लगा संत करनी है निकी अब्बा लहंगा ना लगाओ नहीं तो मैं कहने लगे फोन करता हूँ पुलिस को। बस ही साहब ठीक है जी। मैंने कहा जी राजी है वाले राजी निकी के साथ से बड़ी खिदमत कर से ठीक है बासी साहब खोता खूद सटो निकी मंजूर है जी। अच्छा ते ए गले राजा बहराम सदीकी साहब नहीं तो फिर तुसी कराची छोड़ के इत्थे किस तरह पहुंचे? तू जो है ना बिल्कुल फारिगुल बाल आदमी है, बिल्कुल वेला है। क्यों? काम काज कोई है नहीं, लोगों को रोक के उनकी स्टोरी सुनता रहता मजे लेता है। तुसी खुद ने मैनू बार बार कॉल करके और मलिक जी आओ ना जरा बैठ के गपशप करने आ, तो तुसी खुद ही मैनू बुलांदे हो फिर खुद ही तंग हो रहे हो। अबे गपशप का यह मतलब तो नहीं है ना कि तू मेरी दुखती रख पे पैर रख दे। तुसी दसो दे सही कराची क्यों छोड़ के इत्थे आए हो? एक एक के स्टोरी है। अबे नहीं बता सकता, शर्म की बात है बड़ी। इतना गलत काम किया है? मैंने नहीं किया है। तो और? हमारी अम्मा ने किया था। ओ माय गॉड, के किते अम्मा ने? कोई यहाँ से कोई गया था कोई राजा यहाँ से वहाँ मजदूरी करने के लिए कराची। अच्छा, हमारी अम्मा को भगा के ले आया यहाँ पर। हम तो यहीं पैदा हुए हैं। नहीं जे तुसी इत्थे पैदा होए हो तो फिर कराची वाली टोन क्यों पकड़ी हुई है? फिर इत्थे दी बोली बोलो ना। हमारे नाना जो थे ना हाँ वो सिद्दीकी थे। अच्छा, हमारी अम्मा ठेठ उर्दू बोलती थी, अब भी बोलती है आपकी तरह। हाँ हाँ। अच्छा, अब्बा हमारा जो ना यहाँ की जुबान बोलता था। हमारे मुंह पे नहीं चढ़ी भाई, बड़ी कोशिश की। वैसे बोल लेते हैं तू सा किधर जा रहे हो, बोल लेते हैं वैसे। तुसी ना ही बोलो तो चंगा है। हाँ बोल लेते हैं। नहीं तो फिर अब्बा हूँ जिंदा है या इन्ना लीला है वो? बस क्या करें, अब्बा तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, लेकिन हम कराची वापस नहीं जा सकते। उसकी वजह यह भाई, यहाँ ज़मीन है, जदादे हैं, सब कुछ यहीं पर है हमारा। नहीं तो फिर अम्मा ने फिर कोई दूसरी शादी शुदी को नहीं खड़काई? अबे तो मर गया ना वो, तो चलो मर गया ना सदीकी साहब, तो मर गया ना। अबे बुड्ढे बारे अम्मा शादी करेगी दूसरी? अच्छा। अम्मा जो है ना आजकल हमारी शादी के चक्कर में है। ओए होए, अबे अभी तक शादी की नहीं ना। अच्छा, असल में जो हमें पसंद है ना वो अम्मा को पसंद नहीं है। अच्छा, पता कौन? हाँ, अब्बासी नहीं है अब्बासी? हाँ, वो तुम्हारा उस्ताद जो है। हाँ हाँ, उसकी बेटी। ओह नो, वो पसंद करती है? हाँ। वो पागल तो नहीं है? नहीं, वो नहीं पसंद करती। अच्छा। पता नहीं करती कि नहीं करती, हम उसे पसंद करते हैं। ओ एक गल कदे ओनू ना दस दे हो के कुट ना खा लवी ओदे कोल, ओ बड़ी खड़पैंच औरत थी। ओहो, अम्मा को भी नहीं पसंद वो। अच्छा, अम्मा कहती है गूंगी लड़की से तेरी शादी कैसे कर दूं। वो गूंगी है पर मैं तेन दस दी हूं एक नंबर दी सही लड़ाका औरत थी। ओ जियो, ओए लड़का मान गया, ओए लड़का मान गया। मैं मनी ये ठीक है बस, ये पर माड़ी भी शर्त है जी। हैं, तू शर्तें लगाएगा मेरे साथ? ओ बासी साहब, शादी तो करसा ना, शादी करसा ना जी। अच्छा, क्या शर्त है? माड़ी अमीना मैं कल में कल्ला पुत्र हूं। अच्छा, मैं चाहना कि माड़ी अम्मी भी माड़े ब्याह शामिल होवे, क्योंकि मैं अम्मी अपनी इना बुलाया ना तो फिर अम्मी की बड़ा बड़ा दुख लग सी यहाँ, तो अम्मी माड़ी की बुलाऊ सर। ये बात है ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू अपनी माँ का इतना ख्याल करता है, इतना दावेदार बच्चा है, तो ये तो कोई मसला नहीं है, हम ये शर्त तेरी पूरी कर देंगे। लेकिन तू जाएगा वालदा को लेने? जी जी, अम्मी हना की अम्मी की नहीं। अच्छा,
मेरी शादी में शरीक बन, मैं फिर सरखरू ही गया सब। भाई ठीक है, मैं तुझे बेचता हूँ, लेकिन मेरा बंदा साथ जाएगा बेचे। और नहीं भाई साहब, मैं उड़ी जैसे नहीं। नहीं नहीं, तूने आगे जो पार्ट किया, तू बहुत बड़ा पार्टू है। ये जो तू मेरे साथ कह रहा है, भाई मेरा बंदा, मैं अभी फोन करता हूँ, वो साबिर मैले कहना, वो जाएगा तुम्हारे साथ। नहीं, वो अच्छा बंदा है, मेरा अपना खास बंदा है, वो तुझे लेके जाएगा, जाके वहाँ से तेरी वालदा को लेके आएगा, उसके साथ हम सारे मामला तय करने के बाद। चल मैं फोन करता हूँ। नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसी बात नहीं करती, मुझे लगता है कि वो भी मुझसे, ये तुम्हारी जेब में कुछ बज रहा है। ओहो, फोन आ गया। हाँ, इसका आ गया। अब्बासी साहब, आवाज देखा? जी जी अब्बासी साहब, मेरा भी सलाम कह दे। एक मिनट सब्र कर, समय तो पहुंचेगा ना। ओ अब्बासी साहब, ए ओ जड़ा बहराम नहीं, राजा बहराम, ओ हाँ हाँ, ओ बैठा मेरे नाल, तुसी हुक्म करो सर। अच्छा, हुणे आने? ठीक है जी, मैं हुणे बस 10 मिनट पहुंचा जी। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ओ राजा बहराम उर्फ सदीकी साहब, सदीकी साहब, तुसी इत्थे बैठो। हाँ, ओ अब्बासी साहब दी काल ही कोई डेरे शेरे दे मामलात होंदे ने ना, ते ओ कोई अर्जेंट उन्हें बुलाया मैनू। हाँ, तुसी इत्थे बैठो, फिर बाकी दी स्टोरी मैं इत्थे आके सुनना। मैं तो यहाँ इंतजार करूँ? तो बाकी दी स्टोरी नहीं सुनानी? ठीक है। अच्छा बात सुन, ये मैं एक रुका लिख देता हूँ ना, ये वहाँ किसी तरीके से ना अब्बासी की बेटी को दे। नहीं नहीं, मैं इस तरह के काम नहीं करता। रुका रुका, अभी लिख देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो एक मिनट लगेगा। नहीं नहीं नहीं, तू इत्थे बह, मैं हुणे आना। ठीक है, बाकी दी स्टोरी फिर मैं आके सुनना तेरे को। ठीक है, चल ठीक है। हाँ, ओके, जल्दी आ जाइयो। जुलम करो, बस जरा आ जाए। यार किधर रह गए साबिर शाहीन, अभी तक नहीं आया है। एक क्या बंदर किला खेलने भी हो तुसा? क्या बंदर किला खेल रहे हो? अरे चक्कर पे लाने हिंदू हो, तेरी बात मानी है ना। हाँ, वो तेरी वालदा को नहीं बहलाना? हाँ, अच्छा अच्छा, तो कुछ क्या लो, वो मैंने फोन किया ना उसको, साबिर शाहीन को आ रहा होगा अभी। साबिर शाहीन वैसी है जी, वैसी बंदा है, क्या करती है, मेरा खास आदमी है। अच्छी, बस वो आए, उसके साथ जाओ, अपनी वालदा मोहतरमा को लेकर आओ, बाकी मामला आगे चले हैं। ठीक है जी, वैसे दुकान इतने खोलो ना, मेरी कुर्सी बालो, पानी छोड़ी दे पिलाओ। ना 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 ना, ये मैं जिम्मेदारी उसके हवाले करूंगा, तेरा हाथ उसके हाथ में पैक लाऊंगा और वापस तेरा हाथ उसके हाथ से लूंगा। मैं मनी के अभ्यास थे, और तुझे एक्स्ट्रा में की बता है, एक्स्ट्रा बता देना, मनी के अभ्यास तंग हो रहा है, तंग हो रही है, जारी कर दे यार। पानी पानी देखा हूँ ना, ना है पहलाऊं, मतलब मैं खोता पानी तो सोचो जी भी किया। ओ आया वैशिया, और दरवाजा खुला लेंगो, वैशिया आया नहीं, ये लगता है साबिर ही है, इसकी जरा डायरेक्शन दे कि राम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आ गए? ओ इसको हाले तक थाने नहीं जमा कराया जी? तो कह नहीं दो। ओए मैं तो करने लगा था बंदोबस्त इसका, लेकिन ये मान गया शादी के लिए। अच्छा, फिर तो अच्छी गलत बने होया क्यों जी इसके? अरे भागने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा खैबरदार, लेकिन इसने भी एक शर्त लगा दिया यार। अच्छा ओके। ये कहता है जी कि मेरी वालदा मोहतरमा की ख्वाहिश थी कि वो मेरे सर पे सेहरा देखना चाहती थी, धूमधाम धड़के से मेरी शादी करना चाहती थी, अगर आप मेहरबानी करें मेरी वालदा को बहला लें तो मैं शादी करने के लिए राजी हूँ। ये तो हक है जी, बिल्कुल शुक्रिया। बस ये अब तुमने थोड़ी सी ड्यूटी करनी है यार। सर हुक्म करो, तुम इसको ले जाओ साथ, इसके गाँव चले जाओ। इस दी गाँव चले जाओ ना, क्या कोई मसला नहीं है, ये बताएगा रास्ता, उधर जाके इसकी वालदा को लेके आओ, उसके साथ हम मामला तय करके इसकी शादी का बंदोबस्त करें। मैं आखिया भी बिकी कलियां भेजी छोड़ो, मैं मुड़ी ऐसा। ना 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 ना, ये चला जासी जी कलियां। ओए नहीं, तू नहीं जानता मैं कितने ख्वार हूं मेरा। अबे तू नया बंदा है, मैं पैरवाना बंदा हूं, मैं जानता हूं ये जितना ऊपर है उतना थले भी है, इसकी जड़ें हैं निकली हुई जड़ें। फिर से अपने ग्राम या कोई इधर उधर तो नहीं घुमा? नहीं जी नहीं, मतलब साहब इसका ग्राम से ऐसी खोल और इसका हाथ पकड़, और इसी तरह वापस मुझे पकड़ाना है तुम्हें हाथ। शाम तक आ जैसा ना वापस? जी मुड़ी ऐसा इंशाल्लाह जी। हाँ ठीक है जी, शाम तक ना आया तो मैं दोनों की रिपोर्ट करा दूंगा। नहीं अगर उसे जाके बिटरी गया तो फिर बिटरे तू मुझे फोन कर, मैं यहाँ से डाला पुलिस का लेके। स्लिप हो गया, भागने की कोई शनाख्ती कार्ड तुम्हारा मैंने रख लिया है, ठीक है ना? दियो ना रेच रोड पे असिस्टेंट। कोई नहीं कोई नहीं, ये मेरा बंदा साथ है ना। चलो जी भाई, ध्यान से और लेके आओ उसकी वालदा को। है ठीक है, पूरी रसी तू। हाँ हाँ, शादी के दौरान तो इधर ही होगी ना। ठीक है जी। हाँ चलो, मैं सीना कर रहा हूँ। देखो भाग रहा था हमारे से, जानता नहीं है बासी।
कम वक्त रुका ले जाता मेरा, कोई चक्कर चला गया। एक दफ़ा उसको पता लग जाए, बेशक गुंगी है, क्या हुआ है तो खूबसूरत है, फिर कद काट भी माशाल्लाह हमारे जैसे ही है। अम्मा को मना लेंगे भाई, अम्मा का कोई मसला नहीं है। अम्मा जो है ना, आओ जी आओ आओ जी, है तो माँ है ना माँ। ओ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ओ मलिक साहब, ये चोर के साथ किधर फिर रहे हो? अल्लाह ने बनाई है इंसान, माना इंसान वाले कब्र जिदा तन दाड़िया भाई। ओ चोर नहीं है ये, अब्बासी साहब दा होने वाला दमाद है, थोड़ा गल संभाल के कर। तशरीफ रखिए, तशरीफ नहीं, मैं जरा जल्दी है चा इन्हें दे ग्रां जा रहा मैं। ओ नहीं नहीं, एक मिनट बैठो ना, बात तो सुनो। चलो बैठो, ये भी अपना संगी है यार। बैठो। देखो भाई मियां, मैं अपने ग्रां जाने वाला रहना चाहते हैं। देखो भाई मियां, अबे क्या जुगाली कर रहा है? अबे कदू कवाली करना पिया? अबे कवाली नहीं, जुगाली जुगाली। वो भैंस जब खाना चारा खा लेती है ना, खाने के बाद भी काफी देर तक करती रहती है। ये मड़ा हाल है, गवली ना आना पिया, गवली ना, असने घर गवली आने। अच्छा। मज गवली भी करनी, गां गवली भी करनी। मुंह लानी रहनी हर वेले। बिल्कुल बिल्कुल, यारा पूना मुंह ला चाचा, बड़ा जीव जहा मुंह लाने। अच्छा तुसी अपनी स्टोरी जरा संभाल के रखो, मेरी गल सुनो ना। अस पते मसला पता क्या? हाँ, मैं जा रहा मिठू होरां दे ग्रां, इन्हां दी अम्मा नूं लेके आना है। वो किस लिए? उसने चोरी की है? नहीं ना यार, तू चोरी है, तेरी सुई फंसी हुई है, चोरी तू अगे निकल। तो पकड़ा भाई, अपने खुद लग गया तो पकड़ा था। गलती हो गई है ना। हाँ तुसी दसो जी, तुसी दसो। यारा चाचा तू मरने आने, अल्लाह ने ना ही किसे सीधी तन वाह। अबे अभी हमारी शादी नहीं हुई है, सीधे रहे पर आवे ना। हमारे अगर शादी हुई या नहीं हुई है, माड़ी शादी तो बारह होने वाली ना। मैं उन्होंने हो गया दमाद, माड़ा हो गया रिश्ता उत्थे। मैं जुड़िया की अपनी अम्मी की किन्नर ग्राउंड जुड़िया, तो अम्मी ने भी शादी में होना बड़ा जरूरी है। अम्मी ना हो सी तो शादी नहीं होने लगी, मैं शादी करना भी नहीं चले। अम्मी ना आवे तो माड़ा उत्थे उसी शादी उसी ब्याह उसी हाले के मैं फंसी गया। हूँ उस जाना तो पुखरा पैसी अम्मी की। नहीं तो अपने उस गांव पे इस तरह पैदल ही जाओगे? पैदल इतने कुछ गड्डी ले बनी है तो गाड़ी मिल जाएगी, थोड़ा आगे जाओगे अड्डा आ जाएगा। चलो अड्डा आ जाएगा। हाँ। अड्डा आ जाएगा, जा 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 जा। हाँ। किराया? किराया तो होगा ना तुम्हारे पास? नहीं, हमारे को पैसे नहीं है ना। हमारे को पैसे होना जब मैं ग्राउंड की अच्छा रहा, पैसे तो नहीं है तो इसके पास तो है ना। मेरे को कितने पैसे? खास बंदा है बासी का, तो अब्बासी का काम तो अब्बासी दा है ना। हाँ। ओदा हक बनदा सी कि मैनू किराया देवे यार ना। तेरा पैसे थे नहीं ते चाहिए ना यार, मैं चाहिए सा मोड़ी के। कोई नहीं यार, इसी तरह चलने हैं पैदल। कितना एक दूर है ग्रां तेरा? इत्थों सी कोई 4-5 मील दे होसी। 4-5 मील ते बड़ा दूर है यार। हाँ। गर्मी भी है, देख पसीना भी आ रहा है। हां तुसी इस तरह करो ना फिर। हां तुसी बैठो जरा। हां ए के राजा बहराम सिद्दीकी। बहराम ए कौन है? हम खुद है राजा बहराम सिद्दीकी। हाँ। इन्हें राजा भी दे आके इन्हें स्टोरी सुनो। हाँ। राजा ते बहराम ते सिद्दीकी। अच्छा ये तीन मिक्सर किस तरह बने ने? मैं जुलना अब्बासी साहब को किराया लेके आया यार, मिकी कुत्ते पहचान लगे ए अभी दिमाग सत्यानाश कर सी सारा यार। नहीं गड्डी ते नहीं जुलना फिर? हां ये ते है, मैं फिर किराया लेके आना ना। हां चल तो करने को टैक्सी उथे अगे स्टॉप है ना। हां हां टैक्सी मिल जांदी है। चल ले किराया ले यार, मैं किराया लेके आना फिर चलने अंदर। आनी से जरूर आ, मैं हुणे आया। ठीक है हेलो खैर कह रहे चेकर तो चलाया है, ये साबुन जो है कहीं से भी ले गया मेरे से, उसको मिठू को भी ले गया है। कह रहे शाम तक उसकी वालदा को ले आए, तो मेरी ये बेटी का मसला हल हो जाए यार। करंट पड़ा है वो, क्या उधर किचन में चूहा निकल आया है, वो कॉकरोच देख लिया है, क्या हुआ है? अबे इधर देखो तो सही मेरी तरफ। मिठू छोटा जो है तुझे पहचान नहीं करता बे? बात सुन तू, देख वो तेरे से शादी नहीं करना चाहता हैं? नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं, देखो मैंने एक ऐसी पहलानिंग की है, एक पहलानिंग के तहत मैं चल रहा हूँ। एक पहलानिंग की है कि उसको मैंने भेजा है कि जाके अपनी वालदा को लेके आओ,
जब उसकी वालदा आएगी तो उसके साथ सारे मामला तय करके उसको मैं गैर दामाद रखूंगा ना। नहीं तू उधर नहीं जाएगी, उधर नहीं जाएगी, तेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। इसी घर में तू भी रहेगी, मीठू भी रहेगा, ये सारा घर बार, ये बाड़ियाँ, जमीन, ये जायदाद संभालने के लिए मुझे एक पहला पलाया बेचा भी मिल जाएगा। अम्मा बड़े अफसोस की बात है वैसे। इतना क्या आया? अबे उस गुग्गी से शादी करेगा तू? कौन गुग्गी? वो जो अब्बासी की जो बेटी है। सारा माल डंगर जेड़ा ने बासी साहब ने फिर रहने थे यहाँ। तो गुंगी कौन गुंगी? चला यार तुम्हें झूठ ना मारो चाचा, गुंगी से शादी करेगा? अबे उसकी पहले भी शादी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अल्लाह, क्या लमियाँ तू छोड़ना है? तौबा अल्लाह माफ़ करे, पहले भी शादी हुई सी। हाले बिल्कुल फोया है, फोया और बिल्कुल हाले हूँ बसे जवान हो गई है। अबे उसकी पहले शादी हुई थी, उसको तलाक हो गई थी। सारा गांव जानता है भाई, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। बुजुर्गो झूठ मारने हो, तुसा सरासर मारने हो, तुसी बिचू जैलस हो कि माड़े नाल ब्याह पे आना हो सना, एक केवी ते ओ कितनी सोहनी है, ए जैलस बन तुसा। अबे मेरा तेरा क्या मुकाबला भाई? क्या मुकाबला? तू इतना सा, मैं इतना बड़ा। हां तू बुड्ढा ते मैं जवान, तो तुसा ना तुहाड़ा ते माड़ा क्या मुकाबला है? अभी हमारा जनाजा जायज नहीं हुआ। जनाजा जायज होने भी नहीं लगा? जेड़ा बंदा झूठ मारे ना उसका जनाजा जायज नहीं होना। एक ते झूठ मारे तू हणे बेराम ते फराना ते सिद्दीकी ते राजा बेराम सिद्दीकी। ये कौन है? हम खुद हैं यार। राजा सिद्दीकी भी ते एक के मिक्सचर कीता तू? हमारे अब्बा राजा थे। हां हमारी अम्मा सिद्दीकी हैं। अच्छा हम बीच में बेराम हैं। तंदा तो भी दर गए ना मदर गए? बेराम तो है ना, तू अपना नवा ही राख खोलिया। हां बेराम तो असल में पता क्या है? बेराम ओ ना छिल डाकू सी हां, बेराम डाकू हां। हमारे अब्बा भी ये चाहते थे हाँ। कि हम बहराम डाकू की तरह सही हट्टे कट्टे हों। फिर लेकिन बचपन में हमें हो गया था पोलियो। अच्छा हम रह गए ऐसे ही, सेहत पकड़ी नहीं। ओए होए नाम अब्बा ने रख दिया था बचपन में ही। अच्छा तो लेकिन बहराम सिद्दीक डाकू तो नहीं हुए? सिद्दीकी बहराम डाकू नहीं हुए, बहराम डाकिया बन गए। हाँ तो अपना अपना अटक गया, बहराम बन या सजावल डाकू बन या बहराम डाकू बन या बाला गुजर बन, जो मर्जी बन। वैसे मेरी हो जैसी मैं तेरे हाँ। तुझे वो पसंद है? नहीं पसंद शंद कोई नहीं, बस मजबूरी है, उन फंसी गया बासी साहब को हाँ। क्या तुकी शादी करनी पैसी हाँ, तो ये मसला है बस। अगर मैं तेरी जान छुड़ा दूँ अब्बासी से? ये मतलब कि बांस भी नहीं बजाए हाँ, ते सब भी मर जावे हाँ। इस किस्म का कम हो तो यार छुड़ाई छुड़ मारी जाने यार बुजुर्गो, कर दो तुझे पड़ेगा सारा कुछ। ये नहीं अमल में कर सा, जाहिर है मैं तो मशवरा दूंगा ना, मैं तो तरीका बताऊंगा, जान छुट जाएगी तेरी अब्बासी से। अच्छा जी हाँ, हुण तुसा कोई कमी नहीं कर सकती है, हुण तुसा अपना जनाजा जायज कीता है हाँ। फिर दसो कि माड़ी जान छुट्टी गई, माड़ी बे जी अम्मी पिछे परेशान हो सी। देख कान इधर को ला, बात राम में बोलो ना जी, बात है। अबे कान में बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा घट करो ना। कान में बात कर रहा हूँ ताकि कुछ सुन ना ले। बात यह है ऐसे करी बेटे, बात यह है, टोन रखूंगा। क्या ये मैं कह रही है? अम्मा 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 हाँ, उसकी अम्मा इधर आएगी ना तो उसके साथ हम सारे मामला तय करके उसके बाद तुम्हारा तू 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 वो करेंगे ना, फिर तुम इधर ही रहोगी। वो चालाक है वो, आज मुझे पता चला कि उस घर में से तू क्यों निकली है, इसीलिए है ना। ये देखो इसके चाले, देखो फुल मार गई है वो, फुल मार पे गई है। किस लिए चाहिए पैसे? कैपड़े लेने? शादी वाले कैपड़े? वो बैसे पहले भी पड़े हुए हैं, और भी ले दूंगा, तू पहले मामला तो तय होने देना यार। ये क्या इसको कहते हैं चोरा को लुपांड ताब लिया है?
अबे तू सहमने की बात है, देख ये सारे मामलात हो जाएंगे, जरा उस उसकी माँ को आने दे, मुझे जरा देखने दे वो माई क्या कहती है। हाँ। परेशान ना हो बच्चे, तू जा जाके अपना काम शाम कर और अपनी शादी की तैयारी कर जाके। हाँ ठीक है। हाँ शहर में आ गया वो यार, अल्लाह इसका कोई पहला कर दे यार, मैं किस मुसीबत में फंसा हूँ या अल्लाह। बेटे बेटे ऐसे मुंह पे नहीं चढ़ रहा। अच्छा यार बुजुर्ग जिस शादी नहीं हुई ना, बेटा कैसे हो गया? अच्छा चलो जिस मर्जी। हाँ एक्टिंग करनी पड़ेगी तुम्हें भैया। किस किस्म की भाई? जैसे एक्टिंग करते है। हाँ एक्टिंग कर सकते हो? एक्टिंग में बढ़िया फिल्म दखिया ने बढ़िया फिल्म। एक दम मैं शूटिंग दखन गया सा। हाँ ओ आहने ओ अली जाद साहब की शूटिंग सी। हाँ अच्छा ओ उत्थे किताब गमी होनी। हाँ। आहने अली जाद साहब किताब लोड सन ते एक है उत्थे बैठा सी, ए पेशाब शुभ करना सी। हाँ पेशाब कर रहा था। अच्छा अच्छा उन्हें नाथ भी की लग सी ते तू नसी कछी। मैं कहा ठीक है जी मैं कर सा जी। इस फिर एक्शन होया। एक्शन किस की आहने ने एक्शन यहाँ नहीं कोई करेगा। हाँ बस तुमने खुद ही करनी है। खुद ही करनी है। अच्छा उन्हें उन्हें एक्शन आख्या उन्हें आइए किताब लोड़ी तो मैं नसिया तू सारे ताड़ियाँ मारिए सड़ा। एक्टिंग तो मैं करी सकना। कर सकता है ना। हाँ बस हॉट रैक करने की एक्टिंग करनी है। हाँ। मरना भी है कर बाद में मरना घर जाके मरना है। नहीं नहीं मरना मरना छना कोई नहीं। मैं मरा तो मैं दफनान चलेगा छन। अबे यही तो गेम है सारी, यही तो तरकीब है। हाँ देख मैं तुझे बताता हूँ। एक था ताजर। अच्छा तिजारत जो करते हैं ना। तो बड़ी लंबी छोड़ सी है उना। उसका तोता था एक। अच्छा वो जब तिजारत में जाने लगा मिसर। हाँ तो उसने कहा भाई मैं जा रहा हूँ तोते मियाँ बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊँ। अच्छा वो कहता मालिक कुछ भी ना लाना, बस मिसर में जो तोते हैं ना उन तोतों को मेरा सलाम कह देना। अच्छा मिसर में जो तोते पिंजरे में जो दरख्तों पे आजाद फिर रहे हैं। अच्छा अच्छा फलाने जंगल में ताजिर चला जाता है वो जंगल ढूंढता है वहाँ बहुत सारे तोते होते हैं। वो कहता है तुम्हारा एक साथी वहाँ पर मेरे घर में पिंजरे में है। अच्छा मैंने रखा हुआ है तो वो आपको सलाम कह रहा था। अच्छा उसने किया सलाम, एक तोता दरख्त से गिरा है गुड़म मर जाता है। मर जाता है। वो कहता है देखो यार इसको बड़ा अफसोस हुआ अपने दोस्त का बिछड़े हुए। वो खैर ताजिर वापस आ जाता है। जब ताजिर वापस आ जाता है वो आके तोते से पूछता है कि तोता पूछता है कि भाई आपने मेरा सलाम दिया था? कहता दिया था लेकिन बड़ी अजीब बात हुई, तोता मर गया ऊपर से गिरा और मर गया पैगाम सुनते ही। पैगाम सुनते ही। अच्छा ये बात सुन के जो उस ताजिर का तोता होता ना वो भी मर जाता है पिंजरे में। ओह नो। ताजिर को बड़ा अफसोस होता है। वो पिंजरा खोलता है तोते को निकाल के बाहर फेंक देता है। मर जो गया है। मर जो गया भाई। हाँ हाँ। वो बाहर फेंकता है तोता उड़ के भाग के दरख्त पे बैठ जाता है। वो कहता है ये क्या किया तुमने? वो कहता जी वो उन्होंने मेरे सलाम का जो पैगाम ना वो मरा नहीं था उसने मुझे पैगाम दिया था। हाँ। कि इस पिंजरे से जान छुड़ानी है तो ये तुझे एक्टिंग मरने की करनी पड़ेगी। अच्छा ये वो वाला मेरे लिए है। मैं इसलिए तो कर सा। तूने भी एक्टिंग कर दी है मरने की। अच्छा 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 फिर वो तुझे कफनाएंगे। हाँ। पहले नहलाएंगे। हाँ। फिर कफनाएंगे फिर तुझे जाके दफना देंगे। अब बुजुर्गो इतनी लंबी एक्टिंग की थी उसी लेकिन नवाल सुन दे कपड़े शपड़े ला रोला नहीं है मतलब है कि मैं बस फिर अब्बासी के दामाद बनो। अरे चलो ठीक है करी किनसा ठीक है करी ठीक है ना। मैं दफनाई चले ना फिर मैं उधर ही बैठा हुआ। हाँ। मैं भी जनाजे में आऊंगा साथ। हाँ, सब चले जाएंगे जैसे ही जाएंगे मैं कब्र खोद के तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। भाई तुम दोस्त जो बन गए हो अब वो लंबा प्रोसीजर है बुजुर्गो। भाई वो कोई तरीका नहीं है जान छुड़ाने का अब्बासी से तो फिर मेरे नाल नाल ही रहे फिर उठे। हाँ हाँ मैं जनाजे के साथ साथ हूँ। तुम तो बाहर हो सो ना। हाँ मैं अंदर हो सा जी अंदर पूरी किता तो फिर भाई ये फिर तुम्हारे नसीब तुम्हारे करतूत जितने गुनाह किए होंगे उतनी सजा तो भुगतोगे। लेकिन नहीं मैं उससे पहले जैसे ही लोग वहाँ से जाएंगे जनाजगाह से कब्रिस्तान से जाएंगे मैं फटाफट खोद के कबर तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। ठीक है मारने ट्राई देखो कामयाब होनी है नहीं। हाँ बस अब ये आएगा ना ये अब्बासी का जो चेला है। हाँ, हाँ, ये आएगा उसके सामने तुमने
हार्ट अटैक की एक्टिंग करनी इधर ही। हाँ इधर ही। अच्छा तभी घर ले जाएंगे। तो घर में जाके तुमने पहले हार्ट अटैक की एक्टिंग करनी है, फिर मर जाना, साथ ही मरने की। अच्छा साथ ही मर जाना। ठीक 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 सही है। तेरी जान छूट जाएगी। मैं साथ ही हूँ तेरे। नहीं मैं साथ ही हूँ। और मेरी बात सुन, आइंदा मुझे बुजुर्ग नहीं कहना भाई। और चलो जी मिठू जी, और क्या किराए का बंदोबस्त हो गया है? किराए 2000 काफी है ना? मिल जाती ना टैक्सी? हाँ बहुत बहुत टैक्सी टैक्सी। अच्छा और ओ ओ के होए दीदी दर्द होना पे। ओ मिठू जी क्यों है? अबे इसको हार्ट अटैक लग रहा है मुझे। ना जी दिल में दर्द है, दर्द शुरू हुआ थोड़ा। दिल राजे साहब उठो, इसके दिल में दर्द है, जिगर हो गया। इतो 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 चलो हाथ पकड़ो। ओए यारा सेटिंग कर लूं यारा, कोई पता नहीं कितने मेहमान। अबे सहमा और कुर्सियां कहाँ हैं, लेके आओ ना। वैसे जल्दी लाओ ना, उसकी माँ के साथ हो सकता है उसके कोई रिश्तेदार भी आ जाए, तो सेटिंग मेटिंग तो होनी चाहिए ना। लाओ बच्चे लाओ। शाबाश शाबाश। बस ये इधर रखना, ये एक इधर लगा देते हैं, उसके साथ कोई और मेहमान रिश्तेदार उसके आए तो फिर चलो बैठो बैठो। चाय पानी का बंदोबस्त किया हुआ है? बिस्किट शिटर में लाए हैं? हाँ देखना, वो पहली दफा उसकी वालदा आ रही है ना, तो कोई कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। हैं बोतल भी मंगाई है? पानी पी शाबा, अल्लाह खैर करेगा। कहाँ ले गए थे यार इसको? ये क्या कह रहा है मिठू भाई? वो बात तो सुन भाई मेरे बच्चे, क्या हुआ है? इसकी माँ आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो ये बच्चा था वो, हाँ ऐसा खेलता था हमारे साथ, ये अचानक क्या कह दिया वो बच्चे को, गरीब को वो पैसे जी, ओए मिठू चला गया वो, ओए इतना अच्छा बच्चा था वो, अब मैं क्या कहूंगा, मेरी तो किस्म खराब है वो। ए बासी, ओए बासी तू क्या कह रहे है? वो मिठू उठ, बच्चे तेरी वालदा को क्या जवाब दूंगा, वो इतना अच्छा था, उड़ुक उड़ुक के जाता था, खेलता था, मस्तियां करता था इसको। अब्बासी साहब मेरा तो अकलौता दोस्त था। अबे तेरा दोस्त था? ओए हमारा तो होने वाला ये बच्चा था, दामाद था, मैं तो इसकी शादी का चक्कर चला रहा था। इंतजाम किया जाए जी। यार तू शाना बंदा, तूने बात सही की है, जो अल्लाह की मर्जी है अब इसमें क्या कह सकते हैं। मैं चाहता हूँ इंतजाम करता हूँ। यार कह रहा कुछ कुछ चक्कर चलाओ यार, वो मैं उधर साबर शाही मस्जिद में ऐलान कराओ यार, परदेसी बचा था यार, अल्लाह की मर्जी अल्लाह की रजा है, वो चला गया वो मिठू, ये क्या किया है हमारे साथ तूने, वो अच्छा इंसान नहीं है वो। भैया बासी साहब कितने हैं जी? अब्बासी साहब आओ ना। ओ क्या बात है, कोई साहब क्या करो, मैं ऐलान करा देते हैं, ओ मस्जिद च गुस्ल का भी इंतजाम हो गया सारा, कब्र वाली भी ला या कब्र तैयार हो रही है। अच्छा बस इन्हें वो लेके जाना है, मुर्दा तैयार तो कर लेना यार। करें ना करें, अल्लाह रहम कर इस बच्चे पे, इसकी मैं शर्मा, या अल्लाह हमारा कोई कसूर नहीं, तू जानता है हमारा कोई कसूर नहीं, हम तो नेकी करना चाह रहे थे यार, सही मंजूर सी अल्लाह ताला। यार साबर
तुम्हारे सामने यार अगर कोई मसला बना ना कोई थाना कचहरी नहीं नहीं कुछ नहीं होगा तुमने मेरे हक में गवाही देनी है यार नहीं बिल्कुल मैं आगे बदबخت इंसान हूं ऐ मौसी तेरी जिंदगी क्या ओए ये भैया यार इसको को उसने तो फोन नंबर शंबर गांव का कोई भी कोई नंबर नहीं है जी वो ग्रां ते पहुंचे नहीं है सी वो रास्ते सारा मसला हो गया अरे यार इसका ना कुछ हुआ तो फिर क्या बनेगा चलो ये लगाते हैं फिर दूसरा भी लगाएंगे इसको ठीक है ये बड़ा अच्छा बच्चा था यार मैंने तो सोचा था मेरा दामाद बनेगा घर में रोन के आएंगी और यार घर खुशहाल हो जाएगा लेकिन चलो अल्लाह की मर्जी है खेला हो गया भूत भूत ये बाकी बातें तो ठीक है ये राजा बहराम सैदीकी को कुछ हुई डरा ही नहीं हुआ हां बासी साहब ऐसे टेंशन वाली गल है ओए बहराम सैदीकी राजे राजा बहराम सैदीकी अरे जो भी है ये रहा तुझे डर नहीं लग रहा भूत से कौन है भूत अबे ये भूत है ये नजर नहीं आ रहा ये भूत है हां ये तो हमारा दोस्त मिट्टू है अरे वो तो हमें भी पता है लेकिन ये तो मर गया था ये तो को अभी उठ के बैठ गया ये तो को ये मरा कोई नहीं था हां ये पता क्या है ये जब जा रहा था अपनी अम्मा को लेने के लिए गाँव हाँ आपने भी तो उसके साथ जुल्म किया बात बुद्ध किया था ऐसे अरे नहीं मान रहा था तो उसने माना था ना चक्कर क्या है तो ये जा रहा था परेशान था ये रो रहा था इसने मेरे से मशवरा मांगा फिर कि जी किसी तरीके से मेरी अब्बासी से और गूंगी लड़की से जान छुड़ाओ फिर तो आपको पता है मैं जहीन आदमी हूँ कराची का और पटवार का दिमाग है मेरे अंदर दो दिमाग है मैंने इसे मशवरा दिया था के मियां तुम मर जाओ ने मुड़ी क्या कराई गया ऐसा होना इथा मेरे नहीं ना ग्रा गैस खा बस माड़ी पीछे बैठ गई हां और जान छोड़ मारी जान छोड़ जुल जुल बस बस चुप 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 बस चुप 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 तू तो मारे पीछे बैठ गया तू बस बस चुप चुप ठीक हो जैसी ठीक हो जा राम आ गया ठीक है अखम बढ़िया चेहरा बोला हाँ ओ दिल दिल अच्छा में अच्छा बड़ी मेहरबानी शुक्रिया बा 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 बढ़िया खान दिल लिखा है बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी बारह को वो अपने घर मैं साढ़े में ना रही सकना मैं दिल्ली आपने करा वापस वो घर तू मारे में शादी कर से शादी कर से अल्लाह ने बल्कि ये दिल के बच्चे दिल दिए और मैं तुम्हें ग्राई न रहने ला मैं ना शादी करी सका तू गो कार अपने और ना ले अब्बासी साहब ने तोड़े वाली साहब बड़े गुस्से ले लो वहाँ अबा 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 मनी कैसी
मैं किस तरह तो ब्याह करा माड़े को ना पैसे ही ना दोले ते ना कुछ माड़े को जोर है मैं किस तरह शादी करा माड़ी अम्मी तो दुए बना बैठी है कोई टेंशन नहीं करते अब्बा अब देखो बहुत पैसे नहीं अच्छा तोबा क्या जमाना आ गया वो आजकल के बच्चे किस तरह के हो गए वो बुजुर्गों को कुछ समझते ही नहीं है देखो यार चलो छोटा मोटा मजाक अपनी जगह पे होता है लेकिन ये मरने मराने वाली बात यार हालांकि वो छोटा सा है कैद भी उसका छोटा सा है लेकिन प्लानिंग और मंसूबे कितने बड़े बड़े उसने बनाए हुए हैं ये तो शुक्र है वह कुछ से पहले मुझे पता चल गया मेरी आंखें खुल गई हैं वरना बड़ा मसला हो वो खबरदार उसका नाम मेरे सामने ना लेना वो बड़ा जबरदस्त फराड़िया निकला वो तो जो मर्जी खैर मुझे नहीं पता है मैं बता दूं वो उसके बारे में मीठू के बारे में बात कर रही है क्या इशारे कर रही है दे बच्चे बात सुन देख तेरी जिम्मेदारी है मेरी मैं तू मेरी बेटी है मैं तेरा बुरा बेला नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा है अबा मुझे पता है तू शादी करना चाहती है लेकिन वे देख मैंने उससे भी चेकअप चलाया था लेकिन देख तो सही उसने क्या फेराड़ किया इधर मेरे घर में कोई मुद्दा डालने लगा था मेरे पे मुर्गा बहन गया मरने लगा था वो उसको अगर भैंस ना देते उसका कोई सौ शौ बंद हो जाता तो देखो कितना बड़ा मेरे साथ पार्ट हो जाता ये क्या कह रही है तू क्या कह रही है मुझे मैं तुझे बता दूं बच्चे देख मैं तेरा बाबा हूं ना तेरे लिए अच्छा घर बनाऊंगा अच्छा बच्चा लेके आऊंगा अच्छे लड़के के साथ तेरी शादी करवाऊंगा देखना वो अब मैंने तो उसकी कोशिश की है लेकिन देखो उसने कैसी चावल मारी है अब मैं कैसे उस पर एतबार कर सकता हूँ कान खोल के सुन ले मैंने तुझे बता दिया है पहले वो नहीं मान रहा था ना अब अब्बास ही बिट उड़ गया वो है मैं तेरा ऐबा हूँ तू मेरी ऐबा नहीं है इंसान बन बात को सोच दिमाग को खोल जरा मैं तुझे बता दूं खबरदार आईने उसका नाम दिया क्या कह रही है खबरदार बस मैं तेरे लिए और मैं देखता हूँ बंदोबस्त करता हूँ अगर उसका नाम मेरे सामने लिया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा ऐबासी को जानते नहीं होते क्या जिंदगी है क्या बहार है पर हमारी जिंदगी में खिजां है बहार कब आएगी कब राजा साहब
पति की साहेब। बैराम साहेब। राजा बैराम सद्दीकी साहेब। क्या है जी, क्या है, क्या मसला है भाई? असं तुसों से नाराज हैं। आप हमसे क्यों नाराज हैं? क्या हुआ है? क्या हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बुजुर्गो दसो दे, पता लग सी ना होया क्या है। देखो, हमने पहले तुम्हें कहा था मैं बुजुर्ग नहीं कहना बिल्कुल। अल्लाह बच्चे दसो दे, पता लग सी ना बच्चे बेशक कह दो। अबे हमने इतनी मेहनत की है कि भाई तुम्हारी अब्बासी से जान छुड़ा दें कि वो तुम्हें छोड़ दे। तुम चोर तो नहीं हो ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मजबूरी में कर रहे थे शादी। हमने तुम्हें कितने तरीके बताए जान छुड़ाने के। बताया था ना मरने वाला, बिल्कुल, अगर तुम छींक ना मारते तो उन्होंने तो दफना देना था भाई। कफन तो पहना दिया था। मैं निश किस तरह ना मारा। मारी नासा जरूर दुनिया से नोक जी बनाई गई है। वैसे बंदे कि निछा कर सी ये तो शुक्र निछाई है, तुम्हारी जान छुटी है। नहीं तो आप किस तरह राजी हो गए? हमारी तो ये परेशानी है, ये हमारी नाराजगी है। नाराजगी है तो पई है तड़ी बचे। मैं राजी होना ही होना सी। वो क्यों? मैं उसकी तकिया तो बड़ी खूबसूरत इस तरह करके जनाब इंज करके ओए मर गई उसने पर। मैं तो राजी होना ही होना सी। ओहो, तो राजी कैसे हो गया तू? तू तो कह रहा था कि मैं उससे जान छुड़ानी है। उसने मैं उसकी तकिया नहीं सी। हाँ, उनमें उसकी तकी की था। हाँ, मैं भी राजी हो गया। हाँ, वो भी राजी है हमारे पर। हाँ, और बिच वो ए बासी नहीं। हाँ, वो बिटली गया उन्हें। oh, no. ये तो अच्छा हुआ भाई। क्यों अच्छा हुआ? क्यों अच्छा हुआ बच्चे? अच्छा भाई हुआ। अच्छा हुआ ना कि अब बासी बिटर गया तो वो तो अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकनी? शादी उसी उसी इंशाल्लाह। कैसे? क्यों उसी उसी बस कैसे? जब तक हम तरीका नहीं बताएंगे शादी हो ही नहीं सकती। उसी शादी लोग उसकी गूंगी गूंगी आने पर गूंगी देता क्या है? गूंगी नाल शादी नहीं करनी चाहिए? अबे भाई इस माशरे का फर्ज नहीं कि गूंगे की इज्जत देवे, मसनों की भी इज्जत देवे या? अबे देख, ये बड़ा अच्छा मौका, बासी बिटर गया है। पागल तू, अच्छा भला जवान है, खूबसूरत है, कितनी प्यारी तेरी आँखें हैं, तुझे तो कोई भी अपनी बेटी दे देगा। ऐवी गूंगी के चक्कर में पड़ गया तू। क्यों गूंगी ने? गूंगी ना क्या तलक है शादी ना? खूबसूरत है ना, अच्छी है, समझदार है, घरे ने काम करनी सारी, इस दे विच केड़ी गल? मैं केड़ा कुछ 6.5 फुट ना जे गूंगी है ते। हां मतलब तू चाहता है कि शादी उससे हो जाए? चाहता नहीं है मैं शादी, उसने करनी करनी है बस। बस ही किस तरह के मन जावे ते माड़े रस्ते च दीवार अट जावे। यहाँ तरीका है मेरे पास, हल है। ओ बुजुर्गो नहीं बच्चे, तुम जड़ा तरीका दस लेना ना, अगर जाके फुड़त हो जाना। जी फुड़त हो जाना है, छीके मैं मार रहा था। और कैसा तरीका बताया था तुझे? उससे मेरा ख्याल रखे ना, मारे नसा जरूर ना मैं तुन्हें देवे यार। ओहो, जब कोई मर जाता तो मुर्दे की नाक में रूई जो है घुसेड़ते हैं। हाँ, रूई डालते हैं। नहीं तू भी तो बच्चे पता सी ना कि जिंदा है, मोया तो नहीं है। तुम क्या देने दे? अबे अबे ये रुई देने दे, इसकी नस में रुई ना डालो, कानों में डाल दो, ये कहते हैं आप? ये बस थोड़ी सी गलती हो गई हमारे से। हल इसका भी मेरे पास है। ओ किला अब्बासी को राजी करने का। अच्छा? हाँ। अब्बासी मनी कैसी? हाँ देख ले बच्चे, दिल तो नहीं चाह रहा मेरा। हाँ। क्या अब्बासी माने? हाँ देखो, अब्बासी अगर तुम्हारे से मान गया ना तो हम कुंवारे आए हैं, कुंवारे इस दुनिया से चले जाएंगे। यार ना आया तो ता केड़ा फड़ा, उम्र केड़ी बच्चे तेरी रहेगी, छोड़ा। कोई ऐसा तरीका दस कि अब्बासी मन जावे तो माड़ी रस्ते की दीवार हट जावे। नहीं मेरी बात सुन, कोई और लड़की से तेरी शादी करा देते। मैं तो क्यों पुठी जी मिसाल देवा, मैं दे ही ना सकना, लोग सुनने पे बिलियां गया ए, वो नहीं मतलब है कि यार क्या करना है तू है मार रहे। मैं और कुड़ी ने करना ही नहीं, माड़ा उसे ना लो सी इंशाल्लाह। मैं उन्होंने दकी किदा वो माड़े दिल च वसी गई, माड़े दिमाग च माड़ियाँ खच, उसने कर मैल बनी गए ने। मैं उन करसा तो उसे ना ही करसा इंशाल्लाह। नहीं तो वो भी तुम्हारे से प्यार करती है बहुत, और लुक रानी इस तरह करके इसने समझे कि
अंदर माड़ी दर दखियास ओ अंदर माड़ी बाना चाहत फेरनी भी इस तरह मुस्कुराई के तकनी तो ओए होए 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 अच्छा क्या बात है मुस्कुरा के भी देखती है तुम्हें हां तो रोई का तक है तुम्हारी दर तक नहीं देखनी के रोई का तक है कोई मशवरा दे ऐसा कोई यहाँ ले ले चल बेटे ये अपने कट्टे छोड़ने का कही दिल पे हाथ रख के हम तुम्हें एक मशवरा दे ही देते दे यार दे बच्चे दे यार तुम अच्छे बंदे हो बड़ी मेहरबानी तुम्हारे से दिल लगी हो गई है जज़ाकअल्लाह तुम्हारे से दोस्ती हो गई है हम तुम्हें उदास नहीं देख सकते हाँ बस कोई किसी ने एहसान करो इन्हें की नकम है हाँ तो मशवरा ऐसा देंगे हाँ लेकिन उसमें पक्के पैरी काम करना है पक्के पैरी करूँगा पक्के पैरी करूँगा ठीक है तो तुसा इस तरह करो ला ली पटवारी ने पीरियड ला ली थी असल में ये सारी एक्टिंग पटवारी में करनी है अच्छा क्योंकि आबासी जो है ना आबासी किसी और जुबान को नहीं मानता अच्छा पटवारी में सारी एक्टिंग करोगे ठीक है तरीका हम बताते हैं 2.5 साल बाद 10 दिन तरीका नहीं कान इधर लाओ क्या मतलब कान में बताएंगे ना बहुत ऊंचा बोलने कान में यार नहीं आराम से बात करते हैं वेल डन अच्छा ते शादी फिर ऐसा नहीं होनी चाहिए माड़ी से थोड़ी शादी हाँ अब्बा थोड़ा मनी कैसी नहीं मनना लगा हाँ उस चिट्ठी दाड़ी वाले मैं दसिया सी तू ऐ कर अपर रसा ढंग से ना खुदकुशी ना बना से सारा मोल रसा लमकना सी ते मैं तेरे कछे अबे के आखसा के समा जड़ी है ना ओ वो बस से ते रसी लमकनी उसी अपने रसी ठीक है ना ते नहीं बनी है ठीक है ते मैं थोड़े अब्बे की कशी कर दसा अब्बे की ते तुसें जड़ी सहमा खाई लगन लगी ते तू आखी मैं इसने नाल शादी कर सा मनी कैसी है ठीक है अरे देखो यारा खुद देखभाल ना करो तो दरख्तों का क्या हाल हो जाता है आड़ू खाने के लिए सारे आ जाते हैं लेकिन देखभाल कोई नहीं करता है यार ओए 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 बूटे ओए
अल्लाह खैर करे यार, वो पीला होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। अब्बासी साहब, वो कौन है भाई? अब्बासी साहब, कहाँ से निकला अब्बासी? कौन है भाई अब्बासी साहब? अरे मिठू, क्या बात, क्या हुआ? मुझे नहीं पीछा लग रही अब्बासी साहब। अबे देख तो सही, क्या हालत हो गई है मेरे दरख्तों की। छोड़ इसकी दफा कराओ जी, रोला होगी ना अब्बासी साहब? रोला बड़ा सर रोला होगी। क्या हुआ है? वो नहीं तो सोनी कुड़ी सहमा। हाँ क्या है, किधर है वो? फाई लगन लगी ने जी। हाँ सहमा, फाई लगने लगी है? सब आया, सब बड़ा सब आया, चढ़िए टेबल पर जी। किधर है वो? उधर है जी। हाँ वही अल्लाह खैर, वही आवे तेरे पास। सहमा किधर है भाई, कहाँ है वो? सब वो तो कुछ किधर है अरे वो क्या कर रही मिठू के साथ शादी ना हो तो मैं मर जाएगी, वो फालेगाएगी, मैं फालेगाएगी, मैं फालेगाऊंगा। क्या कहती है इंसान बहू, क्या कहेंगे? तू मिठू के साथ शादी करना चाहती है? तू भी इसके साथ शादी करने के लिए राजी है? मैं तो कदू ना राजी हूँ जी। हाँ तू भी राजी है? हाँ तो फिर सियाने कहते हैं ना, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अब्बासी, अगर तुम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। घूंघट की आड़ में दिल भर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजर से नजर प्यार अधूरा रहता है। दिल भर का दिल भर का दिल भर का राती भी घूंघट चाल लगा, लाइट चली गई सी, लाइट गई तो नीरा अखबार हो गया। चलो करे नी गल है ना, यू आर माई वाइफ, राठी घूंघट नहीं चाहे तो हम घूंघट चाही किन्ने हम कसम पूरी करी किन्ने, इसकी केड़ी ऐसी गल है। खैर इजाजत है, ओके जरा चेहरा तो दिखाओ, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। तू माड़ी जिंदगी च आ गई, माड़ी जिंदगी च रौनक कोई रौनक, फुर 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 फुलचड़ियाँ फुलचड़ियाँ, फुर फुर फुलचड़ियाँ पियाँ फिरनियाँ, थोड़े बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल अन्नी सी। एवं लोग आखने फलानी गूंगी है, फलानी बैरी है, नजर नहीं आना, फलाने के दिसना नहीं। ये 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 जरूरी नहीं होना कि सटो अपना, मैं ठीक मिक समझ आ रही है। इस समय के दूसरा करनी है ना, फिर मैं थोड़ा जब जरा सैड हो गया सुना। ना 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 बोलना बोलना, सुकून आना सुकून आना। कितने भैन भरा हो तुसा, कितने कल्ली है? अच्छा अच्छा, तू कमाड़े नसीबा च होई गई, क्या बात है। मेरी माऊ भी ना कल्ला ते अद्धा पुत्तर, कल्ला ते अद्धा। ये पसंद है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। कोई गिला शिकवा, कोई चीज़ घर खाने से ना होवे, या कोई कपड़े लाने से ना होव, मिकी 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 दस्या ना? ये हाँ ठीक है। किसी किसी में टेंशन ना होवे, कोई परेशानी, या कुछ सैर करने कसना होवे, सैर
बाहर जाना है। ये अरे दो दिहाड़े इस बोलना शुरू करी था मरी हो पाला पाला पर ये पाला पर ठीक है मैं उन्होंने दरबार पर बैठा हूँ शाबाश लड़ाई झगड़ा नहीं करना मैं थोड़े ना पड़ना अस्सलामुअलैकुम राजा बहराम साहब शुरू करो जी अपनी स्टोरी फिर क्या होया कहानी खत्म क्यों मुक गई स्टोरी ओहो होया क्या है जी अबे ऐसा भी कभी होता है हमने खुद ही अपने हाथों से अपनी महबूबा की शादी कहीं और करा दी वो किस तरह जी हमने ही मशवरे दिए थे मिट्टू को अजीब अजीब मशवरे देते थे शादी करा दी शादी उसकी हो गई अब हमें कहाँ से खूबसूरत हसीना मिलेगी नहीं तुसी उन्हें प्यार कर दे सो वो अब्बासी साहब दी लड़की नो तो मैंने कितने तुम्हें कहा नहीं था मैं रुका लिख के देता हूँ और चलो तुसी अगर तुम मेरा रुका वहाँ पहुँचा देते ना ओ बहराम साहब मेरी गल सुनो पता है जेड़ा किसी नाल नेकी कर दे ना अल्लाह ताला उन्हें उसका अजर देता है तुसी दिल छोटा ना करो तो वो वैसे भी यार देखो ना एज का बड़ा डिफरेंस है तुसी काफ़ी एज है तुहाड़ी वो बेचारी यंग लड़की है मैं कोई तुहाडे हाण दी तक ना कुड़ी इंशाल्लाह कोई चक्कर चलाना कोई तुहाडी शादी हो जाती तुसी टेंशन ना लो ये अब तेरी जिम्मेदारी है भाई डन अच्छा डन हो गया चला तुझे मैं दूध सोडा पिलवाता हूँ पक्का हाँ हाँ चल आ जा चल चला शुक्र है यार खुश हो गया यार तुझे तेरी हेल्थ ना दिखाऊं अच्छा जी हां पहले मारी होगी सारी पहले मेरी हेल्थ में थी अब तू मेरा दामाद हो गया ना अब ये सारी सल्तनत तुम्हारी होगी ये देख कितने ज़बरदस्त घोड़े रखे हुए हैं हमने हाँ ये मैंने तुर्की से मंगाया था अच्छा अपने अपने ये देख तेरे लिए पिंक भी बनाई हुई है क्या बात है चल हाँ तुझे दिखाता हूँ यार ये असली सल्तनत एक किसना डेरा है ये हमारा डेरा है ना वो नहीं थी हाँ तुझे पता नहीं है तेरा जो ससुर है वो यहाँ का नंबरदार है अच्छा 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 हाँ ये देख ये खड़ी है ये पेजारो मिनी जीप अच्छा हैं एक रेंट पर रेंट पे नहीं है वो जाती है हमारी पहले मैं ये चलाता था अब तू चलाया करेगा अच्छा जी हाँ बड़ी मेहरबानी जी तुझे मैं पैडल भी ऊंचे करा दूंगा हाँ हाँ कोई मसला नहीं है हाँ मैं तुझे दिखाऊं हमारा ये घोड़ों का जो फॉर्म हाउस है ना एस्टेबल ये डेकोरेशन पीस है अबे डेकोरेशन पीस नहीं है वो जिंदा है इसकी नासों में अंगल दे ना हां हां ना जेन्युइन है जी हां ये नसल नसली है वे जबरदस्त ये कितना का ये 10 लाख का घोड़ा है ओ वासी साहब क्या करने जी और तुझे पता नहीं है इससे भी बड़े बड़े अच्छे नस्ल के हमने रखे हुए चल आ तुझे दिखाऊं जरा अच्छा अच्छा ये देख वो देख सामने खड़े नहीं है ये व्हाइट रंग का ये सफेद रंग का ये मटे के अंदर देखे मोला साहब जी ने कहा ये कुड़ी की ये पहचान गए
सुनता रही नहीं जिस वार करने को बोला मोला जाटा। हमने सारी तरह काले चिटे पीले डब खड़े ब्राउन सब रखे हुए हैं। ये सब अपना ही हमारा ही हूँ। हाँ ये सब तुम्हारे अब। अच्छा अच्छा हैं। याशी मारो खुले फिरो। अब पहले मैं नंबरदार था ना, अब मैं तुझे नंबरदार बना दूंगा इस इलाके का। ये इलाके ले मनी कैसे से क्यों ना वे अब्बासी का दामाद है, नंबरदार नहीं होगा है। मेरी मारी बात तुझे बताऊं फैसले कहाँ करते हैं बैठ के। वो उधर बनाया हुआ है ना, हमने खड़ा इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके ये सारे होते हैं। इधर आ यहाँ बैठ। ये सब आप जो जितनी जमीन जो है ना सब फार्म हाउस सब तेरा हो गया। आप अब्बासी साहब बैठ इधर। ये इधर बैठ के हम फैसले करते हैं। मैं थना बैठा जी था तो मड़ी जिंदगी में फैसला किया था। मैं डर पे लगना जी। अच्छा फैसला नहीं किया? बहुत अच्छा फैसला किया। खुश नहीं है तू? हैं हाँ जी हाँ जी। देख ना बैठा बैठाया मुझे पहला पिलाया बेचा मिल गया है, और तुझे देख सारी ये जायदाद प्रॉपर्टी घोड़े मोड़े सब कुछ मिल गया। सारी सल्तनत लगी गई जी। अब तू यहाँ बैठा करेगा और तुझे मैं बनाऊंगा छोटा नंबरदार, ठीक है? और तूने करने हैं लोगों के फैसले। किसी का जमीन का मसला हो, किसी की रिश्ते का मसला हो, किसी की शादी का मसला हो, ये नेकी के काम होते हैं बच्चे, ठीक है? जब तू ये सारे काम करेगा ना, मशहूर हो जाए इस इलाके में, फिर मैं तुझे इलेक्शन में खड़ा कर दूंगा। है फिर तू काउंसलर भी बनेगा, फिर तू चेयरमैन भी बनेगा, सारा कुछ बनेगा, ठीक है? अच्छा अच्छा चलो भाई। ये जो देख रहे हैं ना वो सामने वो जो गोलदायरा बना हुआ है, इसके अंदर हम ये घोड़े दौड़ाते हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी करवाते हैं। अच्छा मैं सर में क्रिकेट ना ग्राउंड बने हैं। नहीं नहीं इसमें घोड़े हमारे वो ट्रेनर हैं ना। अच्छा, अच्छा। समझदार लड़के हैं वो आते हैं जो, तो वो जो मैं लोग सीखना चाहते हैं ना उनको हम यहाँ से बच्चों को भी बड़ों को भी सारों को बड़ा जबरदस्त निज़ाम है। मैं भी सीखी सकना क्यों नहीं? तेरा तो अपना फॉर्म हाउस है यार, तुझे कोई मैं ना कर सकता है? जी मेहरबानी है बासी साहब। आज के बाद ये तू देखना ये सारी जो जमीन है ऊपर से ओ, ओ, पहाड़ी इलाका पहाड़ से लेकर नीचे तक सारी जमीन है ना ये मेरी है, और आज के बाद ये तेरी हो गई है। अच्छा जी ठीक है। तू इसका मालिक है, तू स्या कर सफ़ेद कर, इसमें कणक लगाओ मकई लगाओ खीरे लगाओ ना लगाओ पंगड़े डाल जो मर्जी कर तू आज। ये सारा कुछ माना है जी, पर हमारी मालकन तक तुझे बैठी है ना जी। ओ यार तुम दोनों खुश रहो यार, मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कौन सी बात हो जी, सकती है यार। मैं तो शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मेरी फेरियात सुन ली यार, और मेरी बच्ची का गहर आबाद हो गया। बस बच्ची का बात यह है कि चलो वो थोड़ी बहुत वो अल्लाह ने, ये अल्लाह की तरफ से ना नहीं बोल सकती अल्लाह ने रज़ा जी बस। हाँ तो इसलिए उसकी किसी बात में माइंड ना करना यारा, मेरे साथ गुस्सा कर लेना, मेरे साथ जैक कड़ापी कर लेना। देखो बासी साहब मैं सबर किया है, मैं कबूल किया है कि अल्लाह ताला ने मैंने कितने गिफ्ट कितने नमाज देते हैं इंशाल्लाह। और भी मिलेंगे सब बड़े बड़े भी हो बुजुर्ग भी हो, ये प्रॉपर्टी ये जताता ये घोड़े ये सारा कुछ ए उस यानी कि माड़ी बीवी दे उन्होंने वजह ना लिमिट मिले। हाँ बेटा देखो तुम अल्लाह की रजा में राजी हो गए ना, अल्लाह तुमसे राजी हो गया है जी जी, और उसकी रजा में राजी हो गए, उसकी बनाई हुई चीज़ों की खिदमत करोगे ख्याल करोगे तो अल्लाह ताला और मेहरबानी करेगा और रहमतें नाजल करेगा इंशाल्लाह। No. Assalamu alaikum. अच्छा मैं लेट आया पता ही क्या है, वो माड़े दोस्त ताश 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 दोस्त माड़े बाहर उन्होंने खेलना सा पिया ताश खेलना सा पिया। वेरी सॉरी मैं गलती होगी देर होगी माड़े को, मैं पता है मैं कार लेट आया वेरी सॉरी माफी आखिया जे वेरी सॉरी माफी मंगना पे ना, मैं कल दुए दिन ना नंगना कच्छ लगा इतने घर ही रहा कर स इतने रहा कर थोड़े को रहा कर स।
सुननी है या नहीं सुननी है, मैं तो क्या खड़ा पिया, मैं आखिर लेट हो गया, माफी चढ़ा मैं कल जरा मुड़ी के घर चले ला रहा तू की क्या ब्रह 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 करी के मैं समझाया जाए तू की मैं आज लेट हो गया तड़ी को समझ जैसी नहीं है मैं टेंशन नहीं को पी है थोड़ी देर में बात दोस्त जरे ना तो क्या फर्क पड़ेगा सुना हाला रोटी खाधी कल रोटी खाधी तो खैर क्या फर्क पड़ गया रो तो ना रोटी खाना ले एक दिन लेट हो गई क्या फर्क पी गया जरा जी जम जम ना करे ठीक है ना समझी वाली गल पता नहीं कहड़ा दिहाड़ा सी मैं इस ग्रह लंघना पाया थोड़ी तो माड़ी शादी हो गई है मैं ना चोर चोरी माड़े मत्था लगे तेरा थोड़ी माड़े ना शादी हो यार बने तू दुल्हन बनी है मैं महाराज बने मैं जुड़े ठीक है तू माड़ी दे भाई कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है बस या अल्लाह बारिश बरसा दे ताकि हमारे पौधे ओ जी मेरा दोस्त मिठू क्या हाल है क्या हो जी तुम्हारा दोस्त मिठू क्या हाल है बुजुर्ग बने फिरना तू अबे बुजुर्ग फिर कह रहे हैं बच्चे तू हाँ किसा भी तू फसाई चटे आओ हमारे आवले बैह 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 करनी नहीं लड़ाई करनी झगड़ी करनी माड़े नाल मैं बार दोस्तों में फरट होना तो घर आके बेइज्जती करानी है मुझे पता लग जाए कि माड़ी बेइज्जती करनी भी है अब क्या मसला है अब क्या मसला है यही मसला है और क्या मसला है अबे जय कभी तेरी नई नई शादी हुई है हाँ। बच्चा भी हो जाएगा कोई बात नहीं हो जाएगा बच्चा बच्चा कब हो जाएगा कदू बच्चा होसी बच्चा हो जासी हाँ लगना लड़ाई झगड़ा मुड़सी दे मुक्सी तो बच्चा होसी ना सारे महल आए माड़े को पूछ हर वे पढ़ने रहने यारा देख तेरी मुझे समझ नहीं आ रही है पहले तूने कहा कि जी मेरी इससे जान छुड़ा मैं तुझे मशवरा दिया मरने वाला तुझे उसने घर से निकाल दिया जान छूट गई मशवरा ठीक था जान छूट गई थी ना फिर तुझे हो गया प्यार उसके साथ तूने कहा मैं उससे शादी करा मैंने तुझे मशवरा दिया फांसी लगने वाला मान गया ठीक हो गया हो गया अब तेरा अब तू फिर कह रहा जान छुड़ा आज झगड़ा करनी बहुत पिड़नी माड़े हर वे चलना प्यार है खतरनाक है काम अच्छा हाँ मशवरा बड़ा जबरदस्त है लेकिन पी जैसा कोई ऐसी कर नहीं हाँ पता क्या कर कान इधर ला अबे दरख्तों के भी कान होते हैं पत्तों के गड़बड़ तो नहीं कोई होने नहीं नहीं कान इधर ला ये गहरे के क्या है यार मेरा यहाँ पे कोई ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है क्या जिंदगी है मेरी ए बॉसी तेरी जिंदगी क्या तेरी मैं मुझे अपनी पड़ी हुई तुझे अपनी पड़ी हुई है अब शादी करवा दी है ना अब क्या बैबा करती है मिठू बाहर जाके फोन करता है खुद खाता नहीं खिलाता तो तुझे बड़ा शौक था ना उस वक्त फा लगने लगी थी उस वक्त खड़ी नहीं हो रही थी पाँव के ऊपर है ना मेरी शादी करवा तड़प रही थी उस वक्त है ना तो आप कह रहे हो ना आप उगतो तुम अब क्या कह रहा हूँ मैं बबुआ बबुआ वाह तो उसको डांटू हैं तफे लगाऊं लते हल्का समझाऊं चलो समझा ये आ गया ओए मेरा मिठू पुत्र आ गया शाबाश क्या हाल है मिठू पुत्र ठीक है बच्चे क्या मसला है हैं बच्चे कोई ऐदास परेशान लग रहे हो हैं दाढ़ी शाड़ी भी वैदा ही हुई है छे में भी नहीं खड़काई है नया नया शादी हुआ है तुम्हारे यार क्या कहते हो हैं मिठू अरे बात करना क्या बात है मसला क्या है देख बात सुन मैं तुझे एक अभी जो मैं गया हूँ ना ये तेरामड़ी चौक उसका एक वाक्य से रहा तो सड़क पैट दी है सारी यार इन्होंने बाहर
वो इंसान के बच्चे नहीं है, बीच में रास्ता भी नहीं छोड़ा हुआ, ठुडे खाते फिरते हैं लोग। कभी मोटरसाइकिल, अभी मैंने देखा मोटरसाइकिल स्लिप हुआ है बंदा उधर, मोटरसाइकिल उधर लेते हैं, बाजू पहच गए उसके, कोई पता ही नहीं चला किधर गया। अच्छा ऐसा करते हैं ना, मेरे उधर अयूबिया में मेरे एक दोस्त हैं, हैं सरफराज साहब, उनका वहाँ मकान है, ठीक है, मैं उधर चला जाऊँगा 3-4 महीने के लिए, तुम इधर कहले याशी मार रहा है। मिठू क्या बात है, क्या हुआ इसको, बोलता नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, चल कोई बात नहीं, देख नई नई शादी होती बंदा शहर में आ जाता है, मुझे पता है अंदर से शहर में आ रहा है, अंदर से लड्डू फूट रहे हैं ना। अरे चलो यार शादी होगी, तुम्हें मैंने कितनी मरतबा कहा है घूमने फिरने चले जाओ, वहाँ बेंजो सब में जाओ, रेवला कोट जाओ, कहीं नहरान का गांव चले जाओ, तुम जाते ही नहीं हो हैं, क्यों नहीं जाते हो, क्या चक्कर है, पैसे नहीं है, किराया नहीं है, अबे वैगन को कह रहा है मुझसे ले लो यार, क्या हुआ है, तुम तो छत पे भी बैठ के चले जाओगे, तुम्हारा क्या है। अबे क्या हुआ इसको, क्या सहंगाया है, क्या खिलाया इसको। अबे मिठू, अबे मैं तेरे से बात कह रहा हूँ ना, तू इधर देखना। अच्छा एक और तुझे मैजे की बात बताऊँ, मैंने एक देखी है मोटरसाइकिल, है छोटी सी मोटरसाइकिल, स्कूटरी नहीं होती है स्कूटरी, वो लेने लगा हूँ मैं, पता है कि इसके लिए, अपने लिए नहीं यार, तुम्हारे लिए लेने लगा हूँ। ये तुम पीछे बैठ जाओगे, ये चला लेगी, आजकल जहनानियाँ चला नहीं रही हैं सेक्रेटरी, वो वाली सेक्रेटरी ले देता हूँ तुम्हें, दोनों मैजे से क्या ख्याल है, है? वो कहना बैब है, ठीक बात यही है ना, चला लेगी वो, देखो वो भी राजी है, हाँ यस ठीक है, साई मुर्ग पुलाव खाएगा, मच्छी भी मिलती है वहाँ पे, मच्छी कोई खाएगा, कोई चीज़ ये कुछ खिलाया इसको, कोई नहीं, पैकोड़े खाएगा, पैकोड़े ये बना दें ताज़ा, किचन में बना देगी, ये आते हैं इसको बनाने, होए। अरे वो मेरे संगी नहीं है जहांगीर साहब, मैं उनके घर गया, मुझे पता चला उनके बाथरूम में इतना लहमा सांप आया, इतना लहमा सांप आया, उन्होंने डंडे लेके मार मार के उसका सर फाड़ दिया, होए यार वो किसी बात पे चुमचा नहीं कर रहा है यार, क्या हो गया इसको, है ब्रेक मारी हुई इसने, क्या पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा बात ये बच्चे कि वैसे मैंने एक प्लानिंग की है कि कुछ ऐसा करते हैं, एक नया मोबाइल लेते हैं, ठीक है, उस पर तुम्हारी दोनों की एक नई टिकटॉक की आईडी बना देते हैं, ठीक है, आजकल बड़े पैसे कमाते हैं लोग उससे, हैं तुम भी कमाओ, मैं जैसे घर में बैठ के क्या ऐसा मसला है, अरे कुछ चूँ चा नहीं करता है, हिलता जुलता नहीं है, कोई मुझे कोई रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है, कोई चक्कर क्या, अबे बोलता क्यों नहीं है, घूंगा है उसको, क्या खिलाया वो, चलो जी यतना शुद्ध देश हो गए, हाँ ये अच्छा हो गया, अब तुम दोनों पे वो गाना फिट होगा, गूंगे की रम्ज को गूंगा जाने। बाबू बाबू बा बाबू ha 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 ha
बाबू अबा अबा ब 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 ये दोनों दानश्वर क्या गिफ्ट को कर रहे हैं? 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 कौनसे पहन रही है? मिठू अच्छा है? हाँ ये अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, अच्छा बच्चा है। ये देखो क्या करता है वो, हैं? अंदर से खुश है? खुश रहो पुत्र, खुश रहो, आबाद रहो, शुक्र है भाई यारा, ये मेरा घर है, बादशाह हुआ। लेकिन ये क्या यार, सारी दुनिया मुझे ताने देती है। वो कहते पहले लड़की इसकी कैली थी, अब दामाद भी कैला मिल गया इसको। वो तुम नहीं समझते हो यारा, ये मेरे लिए और मसला बन गया है। मैं शुक्र तो अल्लाह का करता हूँ, लेकिन क्या कह रहा हूँ, अब ये ना शुद्ध दो शुद्ध हो गए हैं यार, ये तुम इन दो शुद्ध में मैं हुदूद बन गया हूँ। तू इसके साथ खुश है, राजी है? इसको ऐंचे ऐंचे खाने पका के दिया कर, नाश्ता बना के दिया कर, डेव रोटी दिया कर इसको, बूट भी पॉलिश कपड़े धो के दिया कर इसको सारे। हैं वो खुश है, टाइम पे मिल रहा सारा कुछ। कैमी बेस ही तो बेहतर नहीं, मैं तुम्हारा और बैंद बेस भी कहता हूँ। यार मेरी बेची तो पैदाइश ही कैली है, उसका तो इलाज नहीं हो सकता, लेकिन ये तो बाद में हुआ है ना। मेरा ख्याल है साबर से मशवरा करता हूँ, सोना बंदा है, शहर भी जाता रहता है, किसी हकीम शीम का पता होगा उसको, इसको लेके जाके इसका कैचअप करवाते हैं, ठीक है? बस तुम इसको खिलाओ पिलाओ, ठीक है? मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ, इसका तोड़ो तोड़ चेकअप करवाते। या अल्लाह को रहमत की बारिश बरसा दे, सारी मखलूक और मैं भी तड़प रहे हैं, मैं भी एक किस्म की मखलूक ही हूँ ना, तो मेहरबानी फरमा को ठंडी ठंडी बारिश का है तो मौसम ठंडा कर दे यार। ये तो होगा, लेकिन ये घर का क्या मसला बन गया है? तो इस साबर को फ़ोन किया, इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ चला गया है वो, फिर दोबारा चेक करूँ इसको, पता नहीं कहाँ रह गया। अस्सलाम वालेकुम आवाज़ साहब। ओ अस्सलाम, आओ साबर, तुम्हें फ़ोन करने लगा था यार। अरे बड़ी इमरजेंसी है, तुझे बुलाया, घंटा हो गया तुझे फ़ोन किया, तो किधर चला गया था यार? खैरियत तो है ना? वो खैरियत नहीं है ना यार, बेड़ा रोला हो गया। क्यों है यार मेरी किस्मत? अबासी होया क्या जी, क्या बताऊँ यार, वो बेची की शादी की थी यार, हो गई ना माशाल्लाह, ठीक हो गई। मैंने सोचा था कि चलो घर में खुशियाँ आएंगी, कोई निज़ाम बदलेगा, मेरी बच्ची का भी दिल खुश होगा, मुझे भी एक घर दामाद मिल जाएगा, मेरी जायदाद जमा सारा कुछ संभालेगा। तो मिल गया ना? वो मिल तो गया है, लेकिन काम उल्टा हो गया ना। तो दसो ना क्या होया, क्या है? क्या बताऊं, बताने वाली बात भी नहीं है ना। ए बासी तेरी किस्मत क्या, वो बस सब दसो ना होया क्या, कोई हो सकता हाल निकल आवे। सब मसला ये बन गया है कि पहले तो मेरी बेटी जो थी ना वो गूंगी थी, हाँ, अब वो मेरा दामाद मीठू भी गूंगा हो गया है ना जी। हाँ वो मेरी बेटी भी ये कर रही है और वो भी ये कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही है, मुझे लगता है अगर एक आध दिन और गुजरा तो मैं भी ये करना शुरू कर दूंगा। ये तो वाकई टेंशन वाली गल है जी, कुछ समझ नहीं आई है यार, परसों ठीक था, कल भी मुझे हल्का फुल्का शक पड़ा, लेकिन मैंने कोई गौर नहीं किया, आज तो मैंने उससे बात किया तो करना शुरू कर दिया। ओहो यार बात सुन, तू तो शहर शहर जाता रहता है तो तेरे वाकफ भी बैठे हैं, तो उधर देख कोई डॉक्टर हकीम अगर मिल जाए तो इसका कोई चेकअप शेकअप कराएं यार, को पता करें इसका मसला क्या बहना है। मैं तो वैसे कहना अब्बासी साहब, वो तो गल ठीक है, हकीम भी ठीक ने, डॉक्टर भी, हाँ, लेकिन वो जड़ा वो नहीं राजा के ना है,
मिठू नू मरने वाले और देखो ना किस तरह फिट गए ने। मैं मुझे लगा मैं तो मान गया था यार सारी मैं भी डर गया सी ना वो मशवरे दे रहा था मैं तो कहना ओदे नाल कोई करने है सेटिंग कि हो सकता कोई जुगाड़ कर लवे हो यार इस वाले से तो बड़ा सियाना आदमी मन लगता है किस प्रकार तू जाओ ना उसको बहराम सैदीकी राजे को पकड़ के ला जहाँ भी फिर रहा होगा है फिर उससे मशवरा करते हैं अगर उसने जनाब कोई अच्छा मशवरा दे दिया तो फिर नहीं तो फिर शहर में किसी से बात करना यार है ठीक है तू जा उसको लेके आ शाबाश ठीक है जल्दी करना यार बड़ा मसला है घर के अंदर मैं तो घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा मेरा अब पर तू टेंशन ना लो मैं हुणे ही दस्ती गया लेके आना उन्होंने लेके आओ यार चलो वैसे ये बहराम सैदीकी राजा जो है तो ये सियाना बंदा ही है धूप में तो इसने बाल चीटे नहीं किए होंगे चलो देखते हैं लो अबे मैंने क्या किया भैया अबे इसी मौके पर शायर ने कहा ना कि गुंगे की रम्ज को गुंगा ही जाने एक दूसरे गुंगा जाने चंगा भला में बोलना गल्ला करना गुंगा में की बनाई छटिया मेरे को नहीं पर फार्म नहीं क्या क्या आया 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 किसे लग रहा मेरा ओहो तो देख उसके साथ कंप्रोमाइज करना वो क्या कह रही है तुझे क्या शिकायत क्या है उसे तुझे चड़ी गल करने में की कोई समझ नहीं आनी फिर भी आना हाँ आया 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 समझ आ गई मैं क्या करना फिर उसे ये करना पैसे में क्या करा मारी जान छिड़ासने को नहीं जा रहा ओहो पता क्या घर में जाके ना टाइम दे जरा प्यार मोहब्बत से उसके साथ डील कर हो जाएगा ठीक हो जाएगा कोई मसला नहीं कितना टाइम दिया टाइम देना सारी दिहाड़ी रात में कार हो ना और कितना टाइम नहीं तो दोस्तों के पास जो बैठ के ताश खेल रहा होता उसका क्या है दो चार घंटे से दोस्तों को जाना वहाँ तो फिर मुड़ के आ जाना कार जाना तो भाई उसको नई बीवी को यही इतराज होता है यारा बच्चे मैं यार कितनी देर बाबा करना रहसा अच्छा वो साबुर कौन चला गया यार पहले खुद नहीं आ रहा था अब और बहराम राजे सिद्दीकी को लेके नहीं आ रहा पता नहीं कहाँ चला गया है हालांकि वो तो इधर ही बैलाकों शकों में बैठा रहता है वो कोई इतना लंबा चौड़ा कोई उसका आगे तो नहीं है कोई या अल्लाह को मेरी मदद फरमात है बहराम राजा सिद्दीकी किधर है गल तो सुनो ना बड़े रोला हो गया जी क्या रोला हो गया गूंगा शूंगा कोई नहीं कौन वो जो मिठू है मेरा दिमाग नहीं नहीं यार मेरे साथ बातें कर रहा था मैं खुद अपने कन्न नाल दे अखा नाल देखे और राजे बहराम नाल गल्ला कर रहे हो बहराम सिद्दीकी के साथ जी गपे लगा रहा हां बिल्कुल यार तू पागल तो नहीं हो गया है साहब मैं खुद ही गया ना उन्हें लेने वास्ते हां वो देखे थे दोवे आपस में लगे हुए ने और हंस रहे ने दोवे जोर-जोर नाल इसका मतलब है कि ये इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है और ये मशवरा भी यकीनन उसे राजे बहराम सिद्दीकी का होगा मुझे भी यही लगता है ना चल मौके पे चल के इनको पकड़ते हैं और फिर इनका बंदोबस्त करते चलो वो ये जानते नहीं है मैं नंबरदार हूँ कोई मजाक है जवान थक जानी मरिया हाँ हाँ वो तो बिल्कुल सही है मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ अब तू क्या चाहता है अब मैं ये चाहना की मरी से कुछ जान छड़ा किसी तरीके नाल मैं उठू निकला मैं ग्रां कछा अपनी अम्मी को कछा माड़ा इंतजार करने से इतने पीछे क्या ना क्या हो गया माड़ी अम्मी पता नहीं कदों नहीं तखड़ी हुई क्या होया क्या नहीं होया बेहतरीन अल्लाह सीधा सीधा उसको कह तीन तलाक जान छुड़ा छुट गई भाई अच्छा बड़ा सीधा सीधा मछले अबासी मिकी रहन दे सी अबासी माड़ा तिया पांचा एक ना करी छट सी यहाँ हाँ ये मसला भी है यानी कोई ऐसा हाल निकालने के बाद खुद को घर से निकाल दे हाँ तो और क्या बस जल्दी से बाहर अच्छा बाबा बाबा जा बाबा 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 आ जा के बच्चे बाबा जा 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 क्या कह रहा है वो अब आया बाजा हैं क्या कह रहा था यहाँ पे हैं बाजा अच्छा अभी तू यह बाबा कर रहा है ना मैंने अपने कानों से सुना तू इसके साथ ये गफ्तगू कर रहा था नहीं ये घर में इस तरह बोलता रहा तो आपके आप कान बचते हैं चुप कर रहे बड़ा तो दानश्वर वकील बना हुआ तो इसका है ना तो अब्बासी साहब वो सारी मस्ती इस बंदे दिए ये दोनों फ्रेडी हैं बिल्कुल है ना वो बात सुन मैं अगर तू सही से ना बोला सही मेरे साथ बात ना की
तो मैं करने लगा हूँ SHO को फोन और दोनों को बंद करवाए था। हाँ। मैं बोली सकला जी, मैं बोली सकला जी, ठीक ठाक बोली सकला जी, मैं सही बोली सकला, सही ठीक ठाक गल्ला करी सकला जी सच्ची मुझे।